जेंट ही लगा दो तब तक प्रजेंट सर लिखो सब प्रेजेंट सर लिखो सब तक जाओ जल्दी से भी लोग और यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लाइव सेशन आज ये सभी बच्चे और यहां पर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड राउंड बहुत बढ़िया वेरी गुड सभी लोग प्रेजेंट सर चलिए देखिए अब देखो कितने कम हुए आधे हो गए कि नहीं हो गए बासठ से आधे हो गए इकसठ अब इसमें कितने बचेंगे देखते हैं आधे हुए हो सकता है अभी बढ़ जाए खेल कोई सेजल गुप्ता प्रेजेंट सर चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड आइए चलो चलो बहुत बढ़िया हाँ दे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे चलो ठीक है खेल बढ़ेगा चलो भाई बहुत बढ़िया शमसाद अली चलो चलो ठीक है अब हो गया अब बाजीगर वाला नहीं है अब हो गया वो जो सॉन्ग बजना था बज गया है और ये जो सॉन्ग आपने देखा हो इंस्ट्रूमेंटल इस पर हमने एक सॉन्ग बनाया है जो कि आपको आप कहोगे सर सुना दीजिए वो अभी नहीं सुना वो आपको एक साल बाद सुनाया जाएगा यानी जो हमारा नेक्स्ट बर्थडे है 26 जनवरी उसमें हम इस सॉन्ग को सुनाएंगे इस पर हमने एक सॉन्ग लिखा है टोन यही चलेगी लेकिन उसके बोल कुछ अलग होंगे बिल्कुल उसी स्टाइल में होगा जैसे उसमें बोलता है हो जा चांदनी जब तक रात देता है हर कोई शान ऐसे ही तो है कुछ वर्ड जहाँ पर जो टोन चलती हैं मतलब जब तक आप अच्छे हो तब तक आपका हर कोई आपके पास खुद पैसा है सब कुछ है तो आपके साथ हर कोई है लेकिन उसके बाद एक लाइन लिखी कहा जाता है जब तक होती चांदी रात देता है हर कोई साथ तुम मगर अंधेरों में ना सो छोड़ ना मेरा हाथ इस <laughs> टाइप का कुछ है लेकिन इस पर हमने एक गाना बनाया है वो गाना आप कहोगे कि सर अभी सुना दीजिए वो गाना अभी नहीं सुनाया जा सकता वो एक साल इंतजार करना पड़ेगा छब्बीस जनवरी को गाना सुनाया जाएगा चलिए मतलब जैसे ठीक है ना बेटा चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर और बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट अब आगे चलेगा और बने ही रहिए लास्ट तक आपको बाज बनना है तो लास्ट तक बने रहना पड़ेगा तो मैं बाज बनना होगा कहा है ना हमने चलो आगे स्टार्ट करेंगे चलो भाई अड़तीस हो गए और आगे बढ़ेंगे खेल आगे बढ़ना चाहिए चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और भी गजब गजब की बातों को बताया जाएगा चलो अब आगे देखेंगे मीन डिविजन क्या होता है इस पर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी वाले सवालों को भी बताते मॉड मीन तो समझ में आ ही है और ये भी बात समझ में आ गई चलो भाई अब हम बात करेंगे मीन डिवीजन हेडिंग डालेंगे मीन डिवीजन बेटा जब भी किसी सवाल में पूछा जाएगा मीन डिवीजन मतलब होता है माध्य विचलन अब कमेंट को करना बंद करें अब केवल ध्यान दो प्रेजेंट हो गया विशाल मिश्रा चलो बहुत बढ़िया अच्छी बात है और देखिए पूरी एनर्जी के साथ देखिए पूरा मजा आना चाहिए और जब पूरी एनर्जी के साथ आप देखोगे तो फिर मज़ा आएगा ठीक है क्लियर चलो तो यहाँ पर पूरी एनर्जी लेवल आपका हाई होना चाहिए और आपके लिए बहुत अब मतलब ये एक चैनल एक प्रकार से समझो एक आपके साथ जुड़ा रहेगा हमारा यूट्यूब चैनल जो कि डेली आपको दो वीडियोस मिलते रहेंगे लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी का डिस्कस वो अलग चीज़ है लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो जो हमने वादा किया आपसे मैंने आपसे मैंने कहा था ना अभी वीडियो में मैं आपको वचन देता तो हूँ मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको दो वीडियोस डेली मिलेगी हमारे चैनल पर ठीक है तो आप भी अपने आप से वादा करें चलो मीन डिवीजन अच्छा जब भी माध्य विचलन लेकिन बेटा जब भी मीन डिवीजन बोला जाता कमेंट ऑफ करें माध्य विचलन बोला जाता है तो आप बच्चों को एक चीज बताना चाहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आ गए खिलाड़ी आ गए आ गए बहुत बढ़िया तेतालिश अरे वाह मज़ा आ गया अरे बहुत जाओ यार सेंचुरी देखना चाहते हैं किस दिन हमारे इस चैनल पे सेंचुरी होगी आज तक हमारे इस चैनल पर सेंचुरी नहीं हो पाई अब आप बच्चे चाहोगे तो एक दिन सेंचुरी बनेगी ठीक है बस ये है कि थोड़ा सा ये जो हम क्लास लगाते हैं या कोई वीडियोस आपको भेजते हैं बस उसको शेयर कीजिए बस और क्या लाइक कीजिए इस तरीके से धीरे धीरे अपने आप चैनल ग्रो करेगा क्योंकि अब हम इस चैनल को उठाने में पूरी जान लगा देंगे तो यहां पर ध्यान रखना मीन डिविशन मीन डिविशन बोला जाता है मानक माध्य विचलन एक होता है स्टैंडर्ड डिशन उसकी बात नहीं कर रहे हम यहां पर बात कर रहे हैं मीन डिविशन बेटा आप बच्चों को बता दे मीन डिविशन का कोई मतलब नहीं होता मीन डिविशन कभी इसी सवाल में यह नहीं आएगा यह नंबर से इनका मीन डिविशन बताओ सर क्यों बेटा डिवेशन मतलब होता है विचलन विचलन हिंदी में बोला जाता है लेकिन किसके सापेक्ष यह जरूर बोला जाग्जाम्पल के लिए एक लड़का है ए उसकी एज है एक्स और हम हैं, हमारी एज है वाई अगर मैंने कहा डिविशन डिविशन का मतलब होता है डिफरेंस उन दोनों के बीच का डिफरेंस ये तो क्लियर है भाई सर यानी हम और स्टूडेंट हमसे छोटा है तो भाई हमारी एज ज्यादा होती है तो पॉजिटिव लाना है तो बड़े में छोटे को घटा दो लेकिन <coughs> यह बात तो ठीक है डेवेशन मतलब हो गया विचलन यानी डिफरेंस जब भी डेविएशन किसके रिस्पेक्ट में वो जरूर लिखा जाता है डेविएशन का मतलब दो चीजें होती हैं एक होता है अबाउट द मीन यानी माध्य के सापेक्ष अबाउट मतलब सापेक्ष यहां पर वर्ड यूज करें फिजिक्स में नहीं पढ़ते अबाउट टॉर्क अबाउट को यानी ओ अबाउट मतलब यहां पर हो गया सापेक्ष अबाउट द मीडियन ठीक है दो प्रकार से मीन डिवेशन होता है एक होता है मीन मीन अबाउटन मीन अबाउट मीन एक ये भी होता है अबाउट द मीन हो गया और एक हो गया अबाउट द मीडियन इसको हिंदी में कहते हैं माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन डिवेशन मतलब होगा विचलन अभी और समझाएंगे हो माध्य के माध्य विचलन इसको कहेंगे माध्यिका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन माध्य विचलन ध्यान देना बेटा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ये दो चीजें हैं एक है मीन डिवीजन अबाउट द मीन और एक होता है मीन डिवीजन अबाउट द मीडियन बेटा डिवीजन का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में मीन डिवीजन किसके अबाउट द मीन मीन के माध्य के डिवीजन मतलब डिफरेंस हो गया जैसे मान लीजिए कोई लड़का है उसकी एज टेन है कोई दूसरा लड़का है तो इसकी एज ट्वेंटी है तो डिविशन का मतलब है दोनों की एज का डिफरेंस कह सकते हो ये इससे मतलब तो ये क्या करोगे चाहे इसमें इसको घटाओ चाहे इसमें घटाओ सिंपल है मॉड लगा दीजिए भाई अगर हमने कहा इसका डिवेशन मतलब मतलब किससे सभी को उससे माइनस करना है समझ रहे हो बात को बात को समझना डिवेशन जैसे मान लीजिए कोई ए है बी है और सी है और डी है ये लड़का है इसका एज मान लो एक्स वन है दूसरा लड़का इसकी एज एक्स टू है तीसरा लड़का स्टूडेंट है, है सारे इनकी एज एक्स फोर है और ये हम हैं हमारी एज क्या है मान लीजिए वाई है तो अगर मैंने आपसे कहा कि सभी का सभी से डेवियशन कितना होगा तो इससे डेविशन होगा वाई माइनस एक्स वन लिखो मॉड लिखना है। चाहे एक्स वन माइनस वाई लिखो डेविएशन मतलब डिफरेंस तो इससे डिफरेंस लेकिन डिफरेंस निगेटिव भी आ सकता है तो डेविएशन पॉजिटिव रखने के लिए मॉड लगा देते हैं डिशन मतलब इसमें इसको घटाओगे और उसका मॉड वो डिविशन होगा तो याद रखना माध्य विचलन कभी मीन डिविशन किसी सवाल में नहीं पूछेगा मीन डिविशन तो लिखा होगा अबाउट द मीन अबाउट द मीडियन किसके सापेक्ष अरे विचलन मतलब डिफरेंस किसके किससे करना है मीन का मतलब मीन से मीडियन मतलब मीडियन से तो ये माध्य विचलन का फंडा होता है बेटा ध्यान रखना ठीक है तो आपको जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन दिया फाइंड द अच्छा फार्मूला पहले बता दें मान लीजिए हमने कुछ आपको ऑब्जर्वेशन दी है x2 x3 अभी फ्रीक्वेंसी वाले सवाल नहीं दे रहे हैं xn ये हमारी क्या है बहुत आराम से समझ आ रहे हैं यार क्योंकि अब वाला जो पॉइंट है ना बहुत गजब का है और उसे कम स्टूडेंट जानता है जो आगे बताने जा रहे हैं बेटा देखो मीन तो बहुत अच्छे से जानता है स्टूडेंट मान लो मीडियन भी थोड़ा बहुत जानता है लेकिन जो हमने आपको नई चीज सिखाई ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन वो कम स्टूडेंट जाता, जाता है वही सवाल फंस जाता है मान लीजिए हमने कहा ये हमारी एन ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ एन परीक्षण है बेटा एन क्या है परीक्षण हो गए और अगर मैंने आप बच्चों से कहा इसका माध्य विचलन कैसे आता है तो माध्य विचलन ऐसे दिखाते मीन डिविशन अबाउट मीन ऐसे लिखते हैं ये नहीं कि इससे एक्स बार से दिखाएंगे इसको कैसे पढ़ा जाता है मीन डेविएशन एमडी मतलब मीन डेविएशन अबाउट मीन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं सबको किससे माइनस करना है बेटा एक्स बार से माइनस करना डेविएशन अबाउट द मीन का मतलब सबको मीन से माइनस करना है अबाउट द मीडियन मतलब सब में मीडियन से माइनस करना है लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए इसलिए मॉड लगा देते. का formula होगा सभी ऑब्जर्वेशन को किससे माइनस करेंगे मीन से और जो भी आता रहेगा उसका मॉड करेंगे और उन सबको सिग्मा मतलब उन सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय एन जितने हमारे परीक्षण हैं उतना अगर हमने कहा मीन डेविशन अबाउट मीडियन माध्यिका के सापेक्ष तो क्या करेंगे सभी ऑब्जर्वेशन को एक एक करके किससे माइनस करेंगे मीडियम से और उसके बाद सिग्मा मतलब सब को जोड़ देंगे और डिवाइड में क्या लिखेंगे एन एन का मतलब उन परीक्षण कितने हैं परीक्षण मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड किया जाएगा बात को समझ लो बेटा कैसे निकालते हैं मीन डिविशन सबसे पहले आप क्या करोगे देखो मीन निकालना पड़ेगा अगर देखो अगर मीन डेविएशन किसी सवाल में कभी ये नहीं आएगा कि मीन डेविएशन निकालो अरे उसका कोई मतलब नहीं जैसे मैंने कहा जरूरी है, है तो वैसे यहां पर भी जब भी मीन डेविएशन माध्य विचलन तो दो, दो प्रकार से पूछा जा सकता है माध्य के सापेक्ष सभी एकस, को सभी हमारे जितने भी नंबर्स हैं सभी किस किसको माइनस करना है एक्स बार को इसमें माइनस एक्स बार इसमें माइनस एक्स बार इसमें माइनस और जो जो आता जा रहा है मॉड करते जाओ और सबको ऐड करते जाओ सिग्मा मतलब सभी नंबर्स को सभी ऑब्जर्वेशन को आप क्या करोगे माध्य से घटाओगे उसका मॉड करोगे फिर दूसरे ऑब्जर्वेशन को घटाओगे मॉड करोगे और उन सबको आप क्या करोगे ऐड करोगे डिवाइड में कितनी ऑब्जर्वेशन उतने से डिवाइड करोगे वही क्या होगा बेटा हमारा क्या होगा मीन हो जाएगा ठीक है आगे बात समझ में तो मेन डिविशन अबाउट द मेन कैसे निकालोगे माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बहुत आसान है मेन डिविशन अबाउट द मीडियन चलो तो ये वाला हो गया जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन दिया हमने एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन हमने, हमने कहा दो चार छ तीन और पांच मान लीजिए हमने कहा जैसे हमने कहा एक मिनट अभी आप समझ लेना है इसमें हमने कहा व्हाट इज द मेन डिविशन About mean ये समझ गए ना शॉर्टकट में लिखा है अबाउट मी माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x बार निकालेंगे x बार कितना को जोड़ो पांच और तीन आठ और छह चौदह चौदह चार अट्ठारह और दो बीस और डिवाइडेड बाय कितने हैं ऑब्जर्वेशन कितने प्रेक्षण है कितनी संख्याएं हैं पांच काटो चार तो x बार होगा चार तो अब मीन डिविशन अबाउट मीन बोलेगा

1. 5 4, 1. कितनी है? 5. So, चार महीने चार जीरो प्लस छ महीने चार दो तीन महीने चार माइनस होगा पांच 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 दूनी दस वन पॉइंट टू क्या होगा बेटा वन पॉइंट टू क्या होगा इसका मीन डिवीजन अबाउट मीन होगा बेटा समझो यार कितनी बार मैं समझा रहा हूं ये थोड़ा आसान मतलब है लेकिन नॉलेज नहीं है तो मुश्किल है मीन इन निकालना से तो थोड़ा ये वाला उतना आसान नहीं है मीन तो तुरंत निकल जाता है लेकिन जब मीन डिवेशन बोलता है माध्य विचलन बोलता है तो आपको ऐसे छोटे छोटे सवाल एयरफोर्स में मिल सकते हैं एनडीए में मिल सकते हैं और आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं इनमें क्या करना है आपको क्या करना है सभी नंबर अगर अबाउट मीन बोल रहा है तो सभी नंबर को एड करोगे और जितने ऑब्जर्वेशन है जितने प्रेक्षण है उतने से बेटा भाग दोगे ठीक है एक्स बार निकल गया आंसर आ गया अच्छा ये बताइए अगर इसी क्वेश्चन में लिखा जाता मान लीजिए अगर इसी क्वेश्चन में हम कहते ये दो चार छ तीन पांच मान लो अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता वट इज मेन डिविशन अबाउट मीडियन समझना क्या करोगे आप नोट तो कर रहे हो ना नोट कर लेना सबसे पहले इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे दो और ये हो गया तीन, और ये होगा चार पांच छ अब कितने टर्म हैं पहले काउंट करो एन हमारी ऑब्जर्वेशन पांच है पांच ऑड है तो ऑड में दो का डिवाइड जा नहीं पाएगा एक बढ़ाना छह और ये थर्ड यानी वही आएगा वही आएगा उसका कारण क्या है उसका रीजन है क्योंकि मीन आपका चार आ रहा है और मीडियम भी देखो चार आएगा आएगा कि नहीं आएगा चार अब सबको घटाओगे तो वही तो बात है इसी को तो माइनस करना है सब लोग कर तो चुके तो याद रखना बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मीन डिविशन अबाउट मीन और मीन डिविशन अबाउट मीडियन दो ही प्रकार के सवाल आएंगे कभी ऐसा कोई सवाल नहीं एग्जिस्ट करता जिसमें हम केवल कह दें माध्य माध्य विचलन क्या है संख्याओं विचलन मीन संख्यान लेकिन दो तरीके से हो सकता है एक मीन डिविशन अबाउट मीन मीन डिविशन अबाउट मीन का मतलब हुआ जितने भी आपकी ऑब्जर्वेशन हैं सभी में उस अबाउट मीन का मतलब सभी में डिविशन मतलब सबका डिफरेंस अबाउट मीन का मतलब सभी को सभी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सभी को उससे माइनस करना अबाउट मीन का मतलब है mean से माइनस करना अबाउट मीडियन सारी ऑब्जर्वेशन मीडियन से माइनस और वो जितना आ रहा माइनस करके उसको मॉड करना और ऐसे करके सबको ऐड करना और डिवाइड में जितने ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड करना है इस तरीके से करोगे हमारा मीन डिविशन कैलकुलेट हो जाएगा अबाउट मीन और अबाउट द मीडियन जब भी सवाल लिखा होता है Mean division, तो ये जरूर देखा करो क्या लिख रहा है मेन डिविशन अबाउट मीन बोल रहा है मीडियन बोल रहा है इसके बाद हम आपके कमेंट देखते हैं ठीक है इसको नोट कर लीजिएगा नोट हो गया ना मेन डिविशन क्या बोलोगे आज के बाद सर मेन डिविशन नहीं सर पूरा बोलिए मेन डिविशन अबाउट मीडियन मैंने कहा बताओ मेन डिविशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है Mean about mean का क्या फॉर्मूला है बोलो तो बहुत इजी है सर अबाउट तो क्या करना है सभी प्रेक्षणों को किससे माइनस करना है सभी प्रेक्षण का मतलब सभी observation को किससे करना है एक्स बार से और मॉड करके उसमें सिग्मा लगा देना है और जितने प्रेक्षण है उतने से डिवाइड कर देना है ठीक है मीन डेवेशन अबाउट मीडियन क्या करोगे सारी ऑब्जर्वेशन को क्या करोगे बेटा उस मीडियन से माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई जितनी ऑब्जर्वेशन उतने से डिवाइड करोगे बात को समझिए मीन डिवेशन कोई में मतलब नहीं अबाउट मीन अब ये मीनिंग फुल वर्ड है मीन डिवेशन अबाउट मीडियन मीन डिवेशन अबाउट मीन ठीक चलो एक क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लिखेंगे फाइंड द फाइंड द हिंदी में भी लिख लेना हिंदी माध्यम के बच्चे फाइंड द मीन डिवेशन फाइंड द मीन डिवेशन अबाउट द मीन देखो लिखा है कि नहीं लिखा है अबाउट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा निम्न आंकड़ों का फॉलोइंग डाटा लिख दो या नंबर से लिख दो ये जो आंकड़े दिए हैं नंबर्स को ये आंकड़े बोल रहे बताइएगा इसमें क्वेश्चन में हिंदी में लिख दो हिंदी माध्यम के बच्चे इसे हिंदी में लिख दीजिए जरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों दो कोमा आठ कोमा पांच कोमा सात का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए निम्न आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए जल्दी से बताइए जल्दी से बताइए यहां पर हम थोड़ा देख लेते हैं आपकी कमेंट अब आप कमेंट कर सकते हो थोड़ा ये चार्जिंग में लगा है इसलिए हमें इधर आना पड़ा आप बताइए जल्दी से बताइए मीन डिविशन अबाउट मीन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लाजवाब पचास हाफ सेंचुरी बहुत बढ़िया खतरनाक खिलाड़ी हैं लेकिन दस घायल हो चुके हैं दस इकसठ बासठ थे लेकिन अब पचास बहुत बढ़िया उत्कर्ष द्विवेदी बहुत बढ़िया आ गए हैं खिलाड़ियाँ असली खिलाड़ी राज चंदेल बी शंकर सिंह अबिरल खरवार बी नीलेष निषाद अस्तित्व द्विवेदी बी गंगा सागर बी ज्ञानेन्द्र शर्मा बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड देखो दो बढ़ गए इसी चक्कर में बहुत बढ़िया जो जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और कल से आपको दो वीडियोस डेली हमारे चैनल पर मिलेगी ये हमने आपसे वादा कर दिया है अभिषेक गोविंद कह रहे हैं दो आंसर आएगा अभिषेक गोविंद चलिए ठीक है बी ऑप्शन बोलो तो दो मत बोला करो इसने भी कह स्ने बी अमन कुशवाहा कह रहे हैं बी चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड अब देखेंगे बिपिन पाल टू आंसर ना ऑप्शन बताया करो यार देखो बेटा क्या कह रहा है आंकड़ों का निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य के सापेक्ष ये वर्ड जरूरी है माध्य विचलन का को कोई मतलब नहीं है अरे विचलन विचलन मतलब किससे दो होते हैं मीन और मीडियन तो मीन और मीडियन से चलो अब यहां पर आप बच्चों को बता दें यहां पर कह रहा है माध्य विचलन बताना है माध्यिका के सापेक्ष सॉरी माध्य के सापेक्ष तो एक काम करेंगे सबसे पहले हम मीन निकालेंगे तुरंत कितने हैं नंबर पांच देखो काउंट करो एक दो तीन चार पांच सबको ऐड करो सात और पांच बारह बारह बीस और दो बाईस बाईस और तीन पच्चीस तो यहां से हमारा मीन आ गया पांच वो डिटेल वाला तरीका ना लगाओ कि तुम डिटेल में चार्ट बना वो सब करना है तो यहां पर क्या होगा मीन डेविशन अबाउट मीन जल्दी बताओ तुरंत क्या होगा सबको कटा तीन माइनस पांच ऐसे करते रहो तीन महीने पांच दो महीने पांच आठ महीने पांच सात पांच पांच तो तीन मायने पांच माइनस आ रहा है उसका करो प्लस सिग्मा मतलब सबको जोड़ो सबको डिफरेंस करो सारे प्रेक्षणों को सारे ऑब्जर्वेशन में इसको माइनस करिए सारे ऑब्जर्वेशन में इसको माइनस ऑब्जर्वेशन करिए दो माइनस पांच माइनस तीन का मॉड तीन और आठ माइनस पांच तीन और पांच माइनस पांच जीरो और सात माइनस पांच दो और डिवाइडेड बाय पांच तो ये कितना होगा दो और तीन पांच और तीन आठ और दो दस तो पांच दुनी दस बिल्कुल सही यहां पर इसका आंसर बी पार्ट आएगा मेन डिवेशन हमारा बी पार्ट आएगा और जो बच्चे जी मेन वाले हो बिल्कुल परेशान न हो अभी जी मेन के हम सवाल लेने वाले हैं थोड़ा सा भी हमें वेरिएंस वगैरह पे आने दो क्योंकि उसी से वहां से स्टार्ट होते हैं ना वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवेशन से सवाल स्टार्ट होंगे चलो यहां पर क्वेश्चन करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखेंगे मेन डिवेशन आ गया आपने बता दिया टू आंसर आएगा आगे लिखेंगे और देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देंगे ठीक है मेन डिविशन हो गया चलो ये चीज हो गई आगे और क्वेश्चन देखिए देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज इंग्लिश में लिख लेना यार व्हाट इज द मेन डिवेशन व्हाट इज द मेन डिवेशन अबाउट द मीन यानी माध्या के सॉरी माध्य के शॉपिक्स माध्य के शॉपिक्स अबाउट द मीन ऑफ द नंबर्स लिखेंगे हिंदी में लिखेंगे सभी बच्चे दस कौमा नौ कौमा इक्कीस कौम सोलह कौम चौबीस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन फाइव दूसरा ऑप्शन सिक्स तीसरा ऑप्शन फाइव 0.1 वन और चौथा ऑप्शन है फाइव पॉइंट टू सवाल में कह रहा है संख्याओं दस कॉम नो को मसूल को मौबिस संख्याओं संख्याओ दस कॉमन नो को मोमा संख्याओं का माध्य के सापेक्ष अबाउट द मीन का मतलब माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है लिखेंगे संख्याओं का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या है माध्य विचलन का मतलब मीन डिविशन बताना है क्या है जल्दी से बताइए बेटा मी, क्या है तो कैसे आएगा मीन डिविशन अबाउट मीन तो क्या करोगे मीन डिवेशन अबाउट मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे इसका आंसर बताइए जल्दी देखें पहले आंसर दिख लें आप लोगों को क्या बता रहे हो जल्दी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया लगातार बने रहना है उत्कर्ष द्विवेदी उत्कर्ष यहाँ पे खिलाड़ी बन के आए हैं गंगा सागर डी नीलेष डी अमित पाल बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया विशाल कुशवाहा डी सोनू यादव डी और पीयूष कुमार डी विशाल कुशवाहा डी बता रहे हैं गंगा सागर डी नीलेष बहुत तेजी से आंसर बता रहे हैं पुष्पेंद्र कुमार डी बता रहे हैं राज चंदेल के तो आंसर ही नहीं दिख रहा अभिषेक सिंह डी बता रहे हैं अभिषेक गोविंद डी बता रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चे डी बता रहे हैं और यहां पर चंदेल क्या बोल रहे हैं चंदेल का आंसर ही नहीं दिख रहा है घुस बेटा यस रावत कह रहे हैं बाज वाली लाइन बोल दीजिए तुम्हें बाज बनना होगा सब कुछ बनेगा बेटा सुना नहीं है अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी तो इस परिंदे का असली इम्तहान बाकी है अभी अभी तो लांगा है समंदर अभी तो पूरा आसमान छूना बाकी है ठीक है चलिए आगे आगे देखेंगे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड राज चंदेल अब इसका आंसर दिखाई दे रहा है राज चंदेल का आंसर अब डी दिखाई दे रहा है सर डी बहुत बढ़िया अनिकेत सिंह डी बहुत बढ़िया देखो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे गौतम झा चलो बेटा चलिए देखिएगा इसमें देखिएगा यहां पर वट इज द मीन डिवीशन अबाउट द मीन ऑफ द नंबर्स इन नंबर्स का क्या होगा मीन डिवीशन निकालना है माध्य के सापेक्ष कैसे आएगा बताओ वट इज द मीन डिवीशन अबाउट द मीन ऑफ द नंबर्स क्या होगा बताइए कैसे आएगा सबसे पहले मीन निकालें कैसे आएगा चौबीस और सोलह चौबीस और 16 40 40 और 21 क्या होगा इकसठ इकसठ नौ सत्तर सत्तर और दस अस्सी डिवाइडेड बाई एक दो तीन चार पांच पांच से डिवाइड करोगे पांच कम पांच और तीन पांच का तीस एक्स बार कितना होगा होगा सिक्सटीन बेटा तो मीन डिविशन अबाउट मीन क्या होगा सभी को माइन माइनस करो दस में सोलह गया माइनस छह का मॉड छो में सोलह गया माइनस सात का मॉड सात प्लस इक्कीस में सोलह गया पांच पांच का मॉड पांच और 16 में 16 गया 0 और 24 में 16 गया 8 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कितना होगा डिवाइडेड बाय कितना होगा पांच तो यहां से कितना होगा सात और छह तेरह तेरह पांच अट्ठारह और आठ छब्बीस डिवाइडेड बाय पांच पांच पंजे पच्चीस एक पांच धोनी दस बिल्कुल आंसर हमारा डी पार्ट होगा बहुत बढ़िया डी पार्ट यहां पर आंसर होगा तो ये समझ में आ गया है माध्य के सापेक्ष और माध्यिका के सापेक्ष अब चलिए माध्यिका के सापेक्ष एक सवाल दे देते हैं अब आपको समझ में आ गया ना संख्याओं का माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तो माध्य विचलन वाले सवाल जब भी हम दिया करें टेस्ट में तुरंत उड़ा देना सवाल तुरंत दो मिनट के अंदर सॉल्व कर लेना मैंने क्या कहा हमारी पहली लाइन याद आ रही है मैं आ रहा हूं आपकी समस्या का अंत करने यानी सांख्यिकी जो कि आपकी एक समस्या है उसका आज अंत हो जाएगा चलो आगे लिखेंगे यहां पर आगे एक और क्वेश्चन लिखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे व्हाट व्हाट इज इज द मीन डेविएशन हिंदी मीडियम वाले यार लिख लेना यार हिंदी में पता चला बाद में फिर दिक्कत होगी तुम लोगों को समझने में व्हाट इज द मीन डिवेशन अबाउट द मीडियन अबाउट द मीडियन आप देखो मीडियन माध्यिका के सापेक्ष बोल अबाउट कोई बात नहीं मीडियन से बने बट मीडियम निकालने तरीका अलग होता है मीन से ऑफ द नंबर्स लिखेगा संख्याओं संख्याओं तीन कौमत चार कौम पांच कौमा एक कौमत दो एक कौमत दो का माध्य के सापेक्ष सॉरी माध्यिका के सापेक्ष संख्याओं का माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए यह माध्य विचलन क्या है जल्दी से फटाफट बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो भाई जल्दी से सॉल्व करेंगे अजय यादव ए जल्दी से अमित पाल ए अमित पाल भी बता रहे हैं बहुत बढ़िया <coughs> बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिए बहुत बढ़िया देखो ये सब चीजें आपके अंदर जो गुण चल रहे हैं ये मान के चलो बहुत अच्छा लगा कि इतने बच्चे हर व्यक्ति इस समय सो रहा है बेटा करवट बदल रहा है आप भी बदल रहे ले हो लेकिन अपना पन्ना बदल रहे हो ठीक है आप भी बदल रहे ले हो लेकिन क्या बदल रहे हो अपना पन्ना बदल रहे और वो भी बदल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं करवट बदल रहे ठीक है थीके? अंतर भसित ना है आप पन्ना बदल रहे हो वो अपनी करवट बदल रहे हैं चलो आगे बढ़ेंगे ए समसाद, समसाद अली कह रहे ए समसाद अली भी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड गगन त्रिपाठी ए और गंगा सागर भी बता रहे हैं ए अंशुल सिंह ए और विशाल कुशवाहा भी ए मिस्टर अविरल खरवार बहुत बढ़िया पीस कुमार ए ये राज चंदिल का आंसर ही नहीं दिख रहे हैं यार चलिए चलिए आगे देखेंगे अब देखेगा यहां पर कैसे होगा सॉल्यूशन बहुत आसान है बहुत इजी क्वेश्चन है मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन सबसे पहले हम मीडियन निकालेंगे मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे एक दो तीन चार पांच तो हम पांच पांच ही नंबर है और ऑब्जर्वेशन पांच है तो पांच में दो नहीं एक बढ़ाओ छह थर्ड वाला ये हो गया मीडियन क्या हो गई थ्री हो गई मीडियन मीडियन थ्री हो गई तो अब क्या होगा मीन डेवेशन अबाउट मीन कितना आएगा मीन डेवेशन अबाउट मीडियन सॉरी अब ऐसे जो टेस्ट में सवाल दे रहे थे रो, हर टेस्ट में कभी कभी हम ऐसे टेस्ट में सवाल दे रहे थे आप लोग छोड़ रहे थे इन सवालों को अब इन सवालों को सबसे पहले करना ढूंढना इन सवालों को टेस्ट में ठीक है क्या कह रहा है इन सवालों में कह रहा है मीन डिवेशन ऐसे बेटा एयरफोर्स के लिए सब इन्हीं में से फंस जाएगा एयरफोर्स में सवाल वो जब वगैरह वो चला जाए थोड़ा एनडीए में चला जाए पूछ लिया जाता है तो मीडियन चलो भाई मीडियन से माइनस करो तीन महीना तीन जीरो मॉड करते रहना चार महीने तीन मॉट वन चार पांच महीना तीन दो एक माइना तीन माइनस दो का मॉड दो दो मायने तीन वन माइनस करो मॉड करो कितनी ऑब्जर्वेशन है पांच दो और दो चार एक पांच और एक छः डिवाइडेड बाई पांच पांच गम पांच दशमलव लाओ दस पांच दस यानी ऑप्शन ए पार्ट बहुत बढ़िया ए आंसर यहां पर हमारा होगा चलिए ये भी बात क्लियर हो गई आए फिर हम आगे बढ़ें वेरियंस पर आगे कहानी स्टार्ट आगे बढ़ते हैं और अभी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी जब दी होती तब मीन कैसे निकाला जाता है ये नहीं बताया है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात है सब बताएंगे पहले आइए वेरिएंस पर भी कुछ खेल लेते हैं आइए वेरिएंस वेरिएंस सर वीरियंस नाम सुनके सर सर नाम डर लगता लगता है सर मुझे लगता है मुझे मुझे समझ में नहीं आएगा तुम्हारी सबसे बड़ी जो कमी है वो यही है कि मुझे नहीं आएगा ये मेरे पहले से डिसाइड कर लेते हो चैप्टर पढ़ा भी नहीं है पहले से डिसाइड कर लेते हो देख के सिंबलियम मुझे नहीं आएगा बेटा आप ये ध्यान रखिए सब कुछ कर सकते हो लेकिन पहले आप सकारात्मक बनो ठीक है ना और सकारात्मक जब बनोगे तभी कुछ अच्छा हो पाएगा तुम्हारे पास नहीं तो हमेशा इस मुंह से दूसरों की तारीफ और इन हाथों से दूसरों के लिए ही तालियां बजाओगे करते नहीं करते पांच सौ की भीड़ में किसी कोने में बैठकर दूसरों के लिए ही तालियां बजाते हो जरा पूछो उन तालियों की गड़गड़ाहट से किस नाम के लिए बोता जब किसी हॉल में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो आप तालियों से उसका स्वागत करते हैं या कुछ न कुछ अच्छा बोल दे तालियों से स्वागत करते एक क्या है एक इंडिकेशन है या कह सकते हो आ, हमारे मतलब ये एक है कि तालियाँ का मतलब क्या हुआ तालियाँ बजाने से क्या आप बताना चाहते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपका इसका मतलब हमेशा आपने क्या किया है इस मुंह से दूसरों की तरह यार वो बहुत बढ़िया है यार वो बहुत अच्छा है और हमेशा दूसरों के लिए तालियाँ बजाएं इसी पर हमें कुछ सेंटेंस बोलना चाहते हैं जरा सुनिएगा गौर से ये आपके लिए ही है 500 की भीड़ में किसी कोने में बैठ के दूसरों के लिए तालियां बजाना इसीलिए पैदा हुए हो क्या कभी सोचा उन तालियों की गड़गड़ाहट हाँ में तुम्हारा नाम भी होगा कभी नहीं सोचा तुमने जरा पूछो उन तालियों की गड़गड़ाहट हाँ से जो तालियां बज रही ना जिस हॉल में जरा पूछो उन तालियों की गड़गड़ाहट हाँ से किस नाम के लिए वो तालियां बज रही हैं क्या कभी सोचा उन तालियों में तुम्हारा नाम भी होगा कभी नहीं सोचा तुमने बस हमेशा इस मुंह से दूसरों की तारीफ और इन हाथों से दूसरों के लिए ही तालियां बजाए तुम चाह लो तो उन तालियों की गड़गड़ाहट में एक दिन बेटा तुम्हारा नाम भी होगा एक दिन तुम्हारा नाम भी होगा बस तुम्हें चाहना होगा तभी कुछ कमाल होगा नहीं तो अपने आप नहीं होगा कोई चमत्कार नहीं होगा आपके साथ चलिए आगे बढ़ेंगे यहां पर वेरियंस है वेरियंस का मतलब है प्रसरण प्रसरण क्या होता है बताइए प्रसरण वर्ड यूज करना है प्रसरण क्या है जरा समझना होगा वट इज वेरियंस वेरियंस पर ध्यान देना होगा वेरियंस पर ध्यान दीजिएगा अब यहां पर आप देखिएगा <coughs> चलो चलो ठीक है गजब की बात कही कई सारे बच्चे सर मुझे आपका मोटिवेशन अच्छा लगता है इस इंडिया में तो सबको अच्छा लगता है मोटिवेशन मोटिवेशन अच्छा लगने से वो मोटिवेशन किस काम का जिसमें तुम्हें कोई बदलाव ना हो पाए अच्छा लगता है ठीक है बच्चा ये मुझे बोलता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है सर लेकिन क्या फायदा यार उस मोटिवेशन का जब तक तुम्हारे अंदर तुम कुछ ना कर पाओ तो क्या फायदा ऐसे मोटिवेशन का ठीक है तो मोटिवेशन सुनने से ज्यादा बेटर है कि उसमें आपको बिल्कुल पागल पनाना चाहिए नींद भागनी चाहिए हम सुबह से पढ़ा रहे हैं क्या हमारे अंदर तो अभी नींद और जबरदस्त होनी चाहिए थकावट है हमारे अंदर लेकिन मतलब होता है ना पागलपन एकदम अगर आप पागल बन जाओगे तो फिर मजा आ जाएगा बेटा ध्यान रखना नींद नींद सब भाग जाएगी ठीक है सब तुम पे डिपेंड करते देखो अगर आपको नींद आ रही तो तुम ही हो यार अपने मालिक तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो सो जाओगे तो पढ़ो कौन सा बेटर ऑप्शन है जो भी है लेकिन जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उस ऑप्शन पर जीत के दिखाना अगर सो रहे हो तो सो जाओ फिर और अगर ये सोच रहे हो कि नहीं सोऊंगा तो फिर मुँह धुलो नहीं धुल पा रहे हो ठंडे पानी से तो गर्म पानी से धुल ऐसे धुलो कि मुंह में मारोगे तो थोड़ा गर्म लगेगा तो शरीर पर थोड़ा सा इफेक्ट मतलब गर्म ना कर देना बिल्कुल खोलता हुआ वो दिक्कत हो जाएगी चेहरे पर ठीक है प्रसरण क्या होगा देखिएगा विरन्स वेरन्स क्या होगा ऐसा ना कर देना बेटा पता चला फिर कल फ़ोन आ जाएगा मम्मी पापा का तुम्हारे हमारे पास क्या मेरे बच्चे को बता दिया था उसने सीधा खोलते हुए ऐसे पानी लिया और ऐसे मुंह में मार दिया ऐसे नहीं मतलब इस तरीके से लोग नॉर्मल समझ गए होंगे समझदार इतने हुनहार हैं आप लोग ठीक है क्या है is? Is is? है ये जब वर्ड आता सर मुझे बड़ी दिक्कत होती है सर माध्य में बहुत अच्छा लगता है सुन के माध्य के सवाल माध्यिका भी बहुत बढ़िया समझ में आ रही है और बहुलक भी बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये प्रसरण जो है ये मुझे लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आएगा तुमने कैसे पहले से पढ़ के सोच लिया नहीं आएगा समझ में पहले से ही आप कैसे डिसाइड कर लेते हो कई सारे ऐसे बच्चे होते देखते हैं वो डायरेक्शन बदल ला लाने कहीं कई सारे ऐसे बच्चे हैं आईआईटी नहीं कर रहे मान लो एयरफोर्स कर रहे हैं एनडीजी दूसरी डायरेक्ट मैंने कहा आईआईटी क्यों नहीं कर सर वो बहुत कठिन होता है मैंने कहा कभी तैयारी की नहीं सर तैयारी तो नहीं की तो फिर कहां से पता चल गया सर सुना है अब जब तुम सुन रहे हो तो फिर जब तुमने प्रयास ही नहीं किया तो कैसे कह सकते हो यार उसको कठिन है बात कि नहीं दूसरे ने बोल दिया आपने मान लिया तो इस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे हो चलो इस पे ध्यान ना दो अब इधर आ जाइए वापस प्रसरण क्या है जरा ध्यान देना बेटा वेरिएंस जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसे हम वी ए आर एक्स से भी दिखाते प्रसरण या इसे सिग्मा स्क्वायर से भी दिखाया जाता है तो प्रसरण क्या है इसको समझेंगे कई सारे आपके ऑब्जर्वेशन मान लीजिए एन ऑब्जर्वेशन है प्रसरण जैसे माध्य विचलन बोल रहा है तो केवल जब हम माध्य विचलन बोलते हैं माध्य विचलन तो आप जानते हो यह पूरा कोई मतलब नहीं होता मेनडेवेशन लेकिन ये कंप्लीट मीनिंगफुल तब होगा जब हम कहेंगे अबाउट मीन अबाउट मीडियन तब कंप्लीट होगा माध्य का कोई मतलब नहीं माध्य विचलन करो ऐसा नहीं होगा एक हमने क्वेश्चन दिया था टेस्ट में हमें याद नहीं तीसरा या चौथा या फोर्टीन कोई नंबर है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उसमें जब मैंने देखा तो इंग्लिश में व्हाट इज द मीन डिविशन और फिर हिंदी वाली का विचलन क्या है फिर बाद में हमने उसको सही किया अब वो टेस्ट देखो के अपडेट हो गया उसमें लिखा व्हाट इज द मेन डिवीजन अबाउट द मीडियन मीन उसमें लिखा ही नहीं था व्हाट इज द मेन डिवीजन को बोल लोगों ने निकाल भी लिया दीन डिवीजन पहले ये समझो मेन डिवीजन कैसे निकलता है बोला जाना चाहिए किसके सापेक्ष यानी अबाउट द मीन या अबाउट द मीडियन अब आती है प्रश्न की बारी प्रश्न के लिए आपको केवल मीन निकालना होगा चलो सर निकाल लिया एक्स बार चलो निकाल लिया ठीक है निकाल लेना फिर जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन है सब में एक एक करके एक्स बार माइनस करना है और सर वो मॉड करते थे वो मीन डिविशन अबाउट द मीन आपको इसमें माइनस करना है जो आएगा उसका स्क्वायर करना है यानी सारे प्रेक्षण को आपको इस एक्स बार में माइनस करना है निगेटिव भी आ सकता है उसका स्क्वायर करेंगे और उन सब डाटा को आप ऐड करोगे डिवाइडेड बाई एन वही क्या होगा मीन डिविशन अबाउट क्या होगा अबाउट मीन ठीक है मीन डिविशन अबाउट मीन फॉर्मूला हो जाएगा बेटा मीन डेविशन अबाउट मीन सारी प्रेक्षण को सारी ऑब्जर्वेशन को एक एक करके आपको मीन में माइनस करना है जो जो आ रहा है उसका स्क्वायर करना उन सबको ऐड करना है डिवाइड में एन करना जैसे याद कीजिए मीन डिवेशन अबाउट मीन में क्या करते थे उसमें भी आप क्या करते हो सारी प्रेक्षण को आप एक्स बार में माइनस करते हो अबाउट मीन का मतलब और सबको एड कर देते हो डिवाइडेड डि यही तो होता है इसमें भी वैसे ही करना है जितने हमारे प्रेक्षण है सबको माइनस करेंगे लेकिन सबको किस में माइनस करेंगे मीन में और माइनस करके हो सकता है माइनस लेकिन उसका स्क्वायर करना है और उन सबको ऐड करना है जैसे हमने एग्जांपल के लिए कहा एक प्रॉब्लम दे रहे बेसिक अभी कोई करेगा नहीं बेटा इसके बाद करना भी आप अभी रुक जाओ अभी करो नहीं पहले समझो फाइंड द वेरियंस वेरियंस का मतलब प्रसरण ऑफ द नंबर्स मान लीजिए हमने कोई नंबर्स दिए इनका प्रसरण पूछ लिया नंबर्स हैं दो चार तीन सात और चार इनका हमें प्रसरण बताना या मान लीजिए सात चार गिर दस चार ये इनका प्रश्न निकालना है तो क्या करेंगे सबसे पहले आप इनका मीन निकालोगे मीन क्या होगा मीन कैसे आएगा सभी नंबर्स को ऐड करो सारे नंबर को ऐड करोगे दो चार 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 सोलह सोलह और नौ पच्चीस नौ सात सोलह सोलह तीन उन्नीस उन्नीस तीस और दो पच्चीस डिवाइडेड बाई कितने मीन कितने नंबर है पांच से डिवाइड कर दिए पांच पंजे एक्स बार कितना होगा पांच मीन आ गया अब हम क्या करेंगे हमें निकालना है वेरियंस तो वेरिएंस कैसे निकलता है क्या बताया ये पांच इसमें घटाओ चाहे दो मायने पांच करो चाहे पांच माइनस दो करो स्क्वायर करना है चलो घटाओ दो मायने पांच इसमें इसको माइनस करो माइनस तीन का स्क्वायर नौ प्लस चार मायने पांच माइनस वन का स्क्वायर वन प्लस तीन मायने पांच माइनस दो 2 का स्क्वायर चार सात मायने पांच दो दो का स्क्वायर चार और नौ मायने पांच चार चार का स्क्वायर सोलह और डिवाइडेड बाय कितने एक कितनी ऑब्जर्वेशन है पांच तो ये कितना हो गया सोलह चार बीस और चार चौबीस चौबीस और एक पच्चीस पच्चीस और नौ चौतीस डिवाइडेड बाई पांच पांच अगर तीस चार पांच अगर चालीस तो ये वेरिएंस हो गया किसका इन नंबर्स का तो वेरिएंस निकालना बहुत आसान है यार तुम कैसे समझ लेते हो टफ है पहले से कैसे डिसाइड कर लिए काम नहीं हो सकता है बिना किए हुए बेटा आप जब अच्छे से समझोगे चीजों को तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती आपको कह रहा है इन ऑब्जर्वेशन का इन संख्याओं का इन प्रेक्षणों का प्रसरण क्या है तो प्रसरण के लिए निकालना पड़ेगा सबसे पहले मीन सर मीडियन ने नहीं प्रसरण के लिए मीन ही निकालना पड़ता है निकाला मीन उसके बाद सारे प्रेक्षण को सारी ऑब्जर्वेशन को मीन में माइनस करना जो भी आएगा वो निगेटिव स्क्वायर करते जाओ इसमें माइनस 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 के इस इसको के स्क्वायर स्क्वायर इसमें इसमें इसको इसको जो आर और और सबको प्लस प्लस ऐड करते जाओ ज्यादा नहीं जब भी सवाल दिया तो चार पांच छह छह सात नंबर दिएगा ज्यादा बड़े बड़े नहीं छोटे छोटे नंबर और उस तरीके से आपको केवल एक प्रैक्टिस हो जाती है जिसमें हमसे आप क्या पूछते हैं वेरिएंस पूछ सकते हैं अच्छा बात आती है स्टैंडर्ड डिवेशन सर अगर बात आएगी स्टैंडर्ड डिविजन इसको भी नोट करते रहे ना नोट कर रहे हो ना फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा स्टैंडर्ड डिविशन क्या होगा पूरा एकदम नोट्स बनने चाहिए मजेदार स्टैंडर्ड डिविशन मानक विचलन मतलब आपको ये फील होना चाहिए कि ऑनलाइन क्लास और लाइव क्लास और ये तुम्हारी मेंटेलिटी है होती सेम है अरे तुम खुद एग्जांपल दो क्रिकेट मैच है मैच में बहुत मजा आ जाता है कभी कभी तो क्या मैदान में होना जरूरी है उसके लिए नहीं ना उसके लिए क्या है केवल आप इंटरेस्टिंग होना जरूरी है तो यहां पर अगर बहुत आप ध्यान लगाओगे तो ऐसा नहीं है ये एक तुम्हारी मानसिकता है इसमें तो और जबरदस्त तुम्हारी कंसंट्रेशन बनती है ध्यान केंद्रित करना एक ही जगह तो स्टैंडर्ड डेविएशन सर इसमें डेविएशन लिखा है नहीं स्टैंडर्ड लिखा है वो अलग है वो मीन था वो माध्य विचलन मानक विचलन जब लिखा होगा इसका मतलब क्या हुआ स्टैंडर्ड डेविएशन ये फॉर्मूला याद रखें वेरिएंस का अंडर रूट होगा वेरिएंस का अंडर रूट क्या होगा एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एसडी एस स्टैंडर्ड डेविएशन को हम क्या <coughs> सिग्मा से भी डिनोट करते हैं सिग्मा से भी डिनोट किया जाता है एसडी एस डी का स्क्वायर कह सकते हो वेरिएंस होता है इसीलिए तो सिग्मा स्क्वायर से क्यों दिखाया क्योंकि एस डी का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर किया वेरिएंस तो बताओ वेरिएंस क्या होगा बताओ जब एस डी सिग्मा है तो ये सिग्मा स्क्वायर नहीं होगा इसलिए याद रखना ये हो गया स्टैंडर्ड डिविशन तो बेटा ध्यान रखना अगर मानक विचलन कोई पूछ रहा है तो घबराना बिल्कुल नहीं आपको अगर सर प्रश्न निकालना आता है वहां पर प्रश्न नहीं पूछा था सवाल में मानक बिचलन पूछा था वो मुझे आता नहीं मुझे माध्य आप बार बार बोलते थे माध्य विचलन के आगे कुछ होगा उसमें था ही नहीं अरे तो देखो वो है, या मानक है अंतर नहीं है माध्य और मानक में अंतर है वो माध्य विचलन है जब मीन डिवेशन बोलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा अबाउट द मीडियन अबाउट द मीन लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो केवल आपका प्रसरण जो प्रसरण है यानी जो वेरिएंस है उसका अंडर रूट कर दीजिए वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कई सारे नंबर का कभी-कभी एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल मान लीजिए मैंने कहा एन ऑब्जर्वेशन का एन ऑब्जर्वेशन कुछ हैं उनका वेरिएंस 16 है तो उन्हीं एन ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, मानक विचलन क्या होगा तो बहुत इजी है जो वेरिएंस है, होगा? होगा है समझ में गई ना बात तो बेरस कैसे निकालते? हुआ. नंबर्स, पहले आप मीन निकाल लो और सारे नंबर को एक एक करके उस मीन में माइनस करो जो आ रहा है उसका स्क्वायर करो दूसरे वाले को स्क्वायर करो प्लस प्लस करते जाओ ऐड करते जाओ नमरेटर में एड कर, तो कर दोनोमीटर में देखो कितने वो प्रेक्षण है कितने वो नंबर है उससे डिवाइड कर दो और उसमें जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमारा वेरिएंस होगा और उसका अंडर रूड करोगी वो हमारा क्या होगा बेटा स्टैंडर्ड डिविशन होगा चलो आइए आइए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को आप करके दिखाएंगे जल्दी से फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे लिख दिया ना फॉर्मूला बहुत बढ़िया और इस क्वेश्चन को करें प्रैक्टिस करो यार नींद आएगी उससे घबराओ नहीं सर मुझे नींद आ रही सर मुझे उलझन हो रही है अरे तो सो जाओ यार जब उलझन हो रही है तो और क्या हम बोल सकते हैं आपको फाइंड द वेरियंस फाइंड द वेरियंस इससे पता चलता है कि आपका अपने एम के प्रति कितना गजब का लगाव हुआ है कितना चाहते हो अपने एम को किस कदर चाहते हो कैसे आसिक हो यह समझ में आ जाता है अपने एम से हमने कहा नहीं कही एक वीडियो में अगर आपने अपने एम से सच्ची मोहब्बत की है ऐसा ही कुछ बोला है तो वहां तक पहुंचना होगा सच्ची मोहब्बत का मतलब है आपने एम से मोहब्बत अपने एम से प्यार है आपको उसके लिए आप रात में भी जग सकते हैं बताइए क्या होगा बेटा फाइंड दंबर्स लिखेगा संख्याओं तीन कौम सात कोमा दो कौ पांच कॉमा आठ का संख्याओं तीन कॉमा सात कोमा दोमा पांच कोमा आठ का प्रसरण क्या है प्रसरण क्या है जल्दी से बताइए इसका प्रसरण क्या है ये हमें बताना है यहाँ पर अमित पाल बता रहे हैं ए ऑप्शन पुष्पेंद्र कुमार ए ऑप्शन फटाफट दो यार आंसर बहुत तेजी में आंसर देना है देखो कम हो गए ना बच्चे चार बच्चे देखो धीरे धीरे लटकते चले जा रहे हैं अरे यार बेटा स्टैंडर्ड डिशन मैंने आपको बता दिया बस ये फॉर्मूले का खेल है कुछ नहीं है स्टैंडर्डिशन आप बस इनको फॉर्मूले की तरह याद कर लीजिए बस स्टैंडर्ड डिविशन कोई बोलेगा क्या है तो आपके तो वेरिएंस का अंडर रूट है अब इसमें हम इतना ज्यादा इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि ये हमारा कॉमर्स का पार्ट है ठीक सम अली देखो बिल्कुल खतरनाक खिलाड़ी है ए ऑप्शन बिपिन पाल ए पीयूष कुमार ए और बताओ बेटा और बताइए जल्दी जल्दी फटाफट यस रावत 5.2, पॉइंट टू रावत बेटा आप ऑप्शन बताया करो यार आंसर क्यों लिखते हो ऑप्शन लिखा हुआ है हर्षित चौहान ए बता रहे हर्षित चौहान अस्तित्व द्विवेदी ए तो काफी बच्चे ए बता रहे हैं इसका मतलब ए ही आंसर होगा तो देखो अब ये बताओ कितना आसान है यार जबकि वाकई में सही बात है अभी हम टेस्ट में रख दें तो इसको ना जाने लगभग परसेंट बच्चे छोड़ देंगे सवाल को बेरियंस का अगर हम टेस्ट में डाल दें पच्चीस क्वेश्चन है ये सवाल पक्का छोड़ देते हैं क्योंकि हमें पता चल जाता है ना कौन कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया तो हम ऑब्जर्व करते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन किसी का गलत है कौन सही कर रहा है तो ये वाले टाइप क्वेश्चन लड़का छोड़ देते जैसे माध्यम पूछेगा उसको निकाल के रख देगा लेकिन यह ये वेरियंस ये थोड़ा दिक्कत होती है लेकिन आप परेशान ना हो वैसे थोड़ा करना है चार्ट बना के इतना चार्ट बनाने का टाइम थोड़ा है तुरंत करना कॉम्पिटिशन में तो क्या करेंगे सबसे पहले हम एक्स बार निकालें तुरंत जोड़ा करो कितने एक दो तीन चार पांच पांच लिखो आठ और पांच तेरह दो पंद्रह पंद्रह और तीन पच्चीस तो 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 दो का स्क्वायर चार सात महीने पांच दो का स्क्वायर चार दो महीने पांच तीन का स्क्वायर मायने तीन का स्क्वायर नौ पांच महीने पांच जीरो और आठ महीने पांच तीन का स्क्वायर नौ डिवाइडेड बाई कितना होगा पांच चार चार आठ आठ और नौ आठ नौ सत्रह सत्रह और नौ छब्बीस डिवाइडेड बाई पांच पांच पंजे पच्चीस दशमलव तो फाइव पॉइंट ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए अब ये अगर फाइव के पॉइंट के बाद भी तो देखना पड़ेगा पांच पंजे पच्चीस एक बचा और दस बनेगा पांच दोनों दस यानी फाइव पॉइंट टू बहुत बढ़िया ए ऑप्शन इसका आंसर आ गया बहुत बढ़िया देखो अब क्लियर हो गया आपको बहुत बढ़िया वेरी गुड आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अभी हम बताने वाले हैं दस कमाल की वो ट्रिकें हैं वो बेहतरीन हैं कि आपकी नींद टूट जाएगी बेटा नींद टूट जाएगी मान के चलो लिखेंगे दफ कॉमा आठ कॉमा दस कॉमा बारह कॉमा चौदह इज ऑप्शन होगा वन बी ऑप्शन होगा आठ सी ऑप्शन होगा ट्वेल्व चौथा ऑप्शन होगा सिक्सटीन बताइए इसमें क्या बताना है वेरिएंस बताना है लिखेंगे छह को मा आठ कोमा दस को बारह चौदह का प्रसरण क्या है बोलो जल्दी से बताइए प्रसरण क्या है फटाफट बताइएगा इसका प्रसरण क्या है प्रसरण क्या है जल्दी फटाफट आंसर बताओ खेल खेलना है और बच्चे कहा हैं जल्दी से अब जिनका नाम लेंगे वो अटेंडेंस देना अपनी जिनका नाम लेंगे अभी हम पता करना चाहते हैं कौन कौन जग रहा है सैजल गुप्ता सैजल बेटा जिनका नाम लेंगे वही लिखेंगे बी उदित बरनवाल अजय यादव नीलेष बी स्नेह राणा बी आकाश अनिकेत सिंह बी गंगा सागर बी आकाश बी आशीष मिश्रा बी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विशाल कुशवाहा बी बहुत बढ़िया वेरी गुड सजल गुप्ता हमें लग रस हो गई चलो कोई बात नहीं और हम नाम लेंगे तो वो जिनके हमें नाम दिख रहे हैं ना उनका नाम कैसे ले लें हम उनका तो हमें उनका नाम लेना जो ना दिख रहे वो हमें हमें तभी तो पता चलेगा कौन कौन नहीं है कौन कौन अभी रुक जाओ अभी हम पता करते और कौन है और कौन है अंकित कुमार अंकित कुमार जल्दी से बताइए अंकित कुमार कोई बात नहीं कोई बात नहीं सागर कोई बात नहीं क्या नाम है आदर्श कोई बात नहीं बेटा अंकित कुमार बहुत बढ़िया एक देखो एक प्रेजेंट हो गया जिसका नाम लिया वो प्रेजेंट हो गया बहुत बढ़िया अंकित कुमार खतरनाक खिलाड़ी भी सूर्यास निगम सूर्यास निगम है जो हमें दिख रहे हैं उनका नाम अभिषेक सिंह अभिषेक सिंह जल्दी बताओ अभिषेक सिंह जिनका नाम दिख गया कुछ नाम लेना चाह रहे थे हम लेकिन वो नाम खुद ही दिख गया विकास चौहान ये भी खिलाड़ी हैं अरे आ गए भाई विकास ये तो अभिषेक सिंह ये भी देखो ये तो खतरनाक खिलाड़ी हैं भाई चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया विकास चौहान भी शामिल हो गए हैं में चलो देखो कोई दिक्कत नहीं देखो बेटा यहां पर ज्ञानेंद्र शर्मा बता रहे हैं। बी और सनी राजपूत भी बता रहे हैं। बी और ये बता रहे हैं। ट्वेल्व सी ऑप्शन अच्छा ज्यादातर क्या बता रहे हैं बी बता रहे हैं मेरे हिसाब से बी 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 कई बच्चों ने बताया और यहां पे विपिन पाल कह रहे ट्वेल्व है चलो देखते हैं भाई <coughs> देखते हैं कौन सही देखो देखो बेटा सबसे पहले हम एक्स बार निकालेंगे बारह और चौदह छब्बीस छब्बीस और दस पहले कितने हैं पांच बारह और चौदह, छब्बीस छब्बीस और दस छत्तीस छत्तीस और आठ चौवालीस चवालीस और छह पचास तो यहां पर मीन आ गया दस चलो ठीक है विरेंस कितना आएगा लिख लो पांच छ माइनस दस माइनस चार का स्क्वायर सोलह प्लस आठ माइनस दस माइनस दो का स्क्वायर चार और 10 महीने दस जीरो प्लस बारह महीने दस दो का स्क्वायर चार चौदह माइनस दस चौदह माइनस दस चार चार का स्क्वायर सोलह सोलह चार बीस सोलह चार बीस चार बीस 20 और बीस चालीस और डिवाइडेड बाय पांच पांच अठालीस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरिएंस आपका आएगा कितना आठ बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड आठ काफी बच्चों ने बी आंसर इसका बताया था बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा चलो अब अगर किसी क्वेश्चन में एस डी पूछ लिया जाए मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अरे तो भैया क्या करना पड़ेगा वेरिएंस को निकालना पड़ेगा सर पूछ तो एस डी पूछ रहा है अरे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है वेरिएंस का अंडर रूट वेरिएंस अगर 25 आ रहा है तो एस डी आपका पांच होगा वेरिएंस अगर आपका 36 आ रहा है तो एस डी आपका कितना होगा छ होगा स अगर आपका पांच आ रहा तो सर, है तो एच डी आपका रूट पांच होगा ठीक चलो सर अंडर रूड ग्यारह फंस जाए तो कैसे निकालो अंडर रूड अरे यार ऑप्शन में थोड़ा इतना तो अंदाजा लगा सकते हो किसके बीच में होगा नौ का अंडर रूड तीन होता है सोलह का अंडर रूड क्या होता है चार होता है तो तीन और चार के बीच का जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा <coughs> कोई दिक्कत नहीं चलो यहां पर सॉल्व करेंगे वैसे एस डी का आंसर जो होता है वो अंडर रूड में ही रहता है इंटरमीडिएट में हम उसको क्लास में हम पूरा सॉल्व कर देंगे लेकिन जैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में HD निकालना है मान लो एस आपका वेरियंस पैतालीस आ गया तो एस पूछ रहा है तो एस डी ऐसे नहीं अंडर रूड पैंतालीसेंगे उसको लिखेंगे सॉरी नौ गुड़ा पांच ये क्या होगा वेरिएंस का अंडर रूड ये वेरिएंस रख दिया उसका अंडर रूड कर दिया वही एस डी होगा और वो कितना होगा थ्री रूड फाइव ऐसे करके ऑप्शन दिए होते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसमें हमें बताना है स्टैंडर्ड डिशन स्टैंडर्ड डिविशन बहुत मजे आने वाला है और जो जेई मेन के बच्चे जो एयर फोर्स के बच्चे हैं उनको अभी हम दिखाएंगे कि वो जेई मेन के क्वेश्चन भी लगा लेंगे लेकिन इंतजार करना होगा वो दस कमाल की वो ट्रिकें जिनसे सवाल तुरंत तुरंत होते हैं। और यही सवाल पूछता है यार ठीक है चलो देखो कैसे हुआ लिखिएगा क्वेश्चन है व्हाट इज द व्हाट इज द एसडी ऑफ दंबर्स एस डी ऑफ दी नंबर्स संख्याओं सात कोमा नौ कोमा ग्यारह तेरह कोमा पंद्रह का माध्य विचलन एस डी मतलब मानक विचलन सॉरी माध्य कह रहे हैं मानक विचलन क्या है इनका मानक विचलन बताना है क्या है टू रू टू चौथा ऑप्शन आठ जल्दी से बताइए क्वेश्चन में क्या कह रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर्स संख्याओं सात कौमा नौ ग्यारह तेरह पंद्रह का मानक विचलन क्या है स्टैंडर्डीज इन संख्याओं का मानक विचलन क्या है बहुत बढ़िया यार बहुत बढ़िया वेरी गुड यहां पर अच्छा यह लगा कि आप बच्चे बराबर बने हुए यह बहुत अच्छी बात है और जो बच्चा नया आया है पहली बार वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करे और यहां पर चलो बहुत बढ़िया इसी तरह से बस आप लोग सहयोग करते रहिए तो जल्द ही हम लोगों का चैनल भी एक अच्छे लेवल पे पहुँचेगा बस आप लोगों का सपोर्ट सपोर्ट सर कैसे कर सकते हैं भाई हम आपको क्लास देते हैं आपके लिए रात भर जग रहे हैं क्या आप एक फिंगर से शेयर पे नहीं क्लिक कर सकते हो कर सकते हो ना कॉमेडी वीडियो हो गया और वीडियोस आप कैसे शेयर करते हो ये एजुकेशन है एजुकेशन चैनल है एजुकेशन की चीज़ें तो सब तक पहुंचाओ ना फालतू तो चीज़ें से ज़्यादा बेटर है ये चीज़ें पहुंचाओगे कुछ अच्छा करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने दोस्त को अपने स्टेटस में हर जगह इस तरीके से शेयर करके आप ये हमारा चैनल नहीं है, आप लोगों का ही चैनल है आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ताकि आप बच्चा चैनल बनाने के कारण यही है दूर दूर से बच्चा हमें देखे और पढ़े हमारे चैनल पर बताइए कैसे होगा इस क्वेश्चन को करेंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द नंबर्स इन संख्याओं का मानक विचलन बताना है बताइए क्या होगा मानक विचलन क्या होगा इसका आंसर निकाल लिया क्या इसका आंसर भैया आकाश बता रहे हैं सी पार्ट अब ये मालूम नहीं हमें क्या आएगा और यहां पर अनुज कुमार भी बता रहे हैं सी पार्ट समसाद अली भी सी बता रहे हैं विपिन पाल सी बता रहे हैं उदय बरनवाल सी बता रहे हैं ज्ञानेंद्र शर्मा भी सी बता रहे हैं अभिषेक गोविंद टू रूट टू मतलब वही सी है चलो देखते हैं भाई कौन सा ही है चलो देखते हैं अजय यादव भी सी बता रहे गंगा सागर भी सी बता रहे युवराज सिंह सोहान भी सी बता रहे हैं स्नेह राणा सी अनिष्का सोनकर भी सी और ऋषभ गौतम भी सी चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड सूर्यास्त निगम भी सी बिपिन पाल सी कन्फर्म सर चलो बहुत बढ़िया देखिए कैसे हुआ इसमें हमें बताना है एस डी एस डी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविशन स्टैंडर्ड डि क्या होगा बेटा स्टैंडर्ड डिवि तो कैसे आएगा सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे बार कितना होगा कितना होगा इसमें एक्स बार भाई स्टैंडर्ड डिशन के लिए पहले वेरिएंस निकालना वेरिएंस एक्स बार निकाले पंद्रह और तेरह अट्ठाइस अट्ठाइस और ग्यारह अड़तीस उनतालीस उनतालीस और, और नौ ये होगा ना पंद्रह और तेरह कैसे होगा अट्ठाइस होगा अट्ठाईस में ग्यारह जोड़ना है हमने दस जोड़ा फिर एक और जोड़ दिया है उनतालीस उनतालीस में नौ जोड़ना है हमने दस जोड़ दिया एक घटा दिया यानी अड़तालीस और सात पचपन डिवाइडेड बाई कितना होगा पांच ये ग्यारह आ रहा है कितना आ रहा है एक्स बार ग्यारह आ रहा है और एस एस डी कितना आएगा एस डी अच्छा पहले विरियंस तो निकाल लो वीरियंस कैसे आएगा ग्यारह घटाओ सात में ग्यारह गया चार चार का स्क्वायर माइनस मध्य करो स्क्वायर करो नौ में सात ग्यारह गया दो का स्क्वायर चार ग्यारह में ग्यारह गया जीरो तेरह में ग्यारह गया दो का स्क्वायर चार पंद्रह में ग्यारह गया चार का स्क्वायर सोलह डिवाइडेड बाई कितना होगा पांच बीस और बीस चालीस बीस और बीस सोलह चार बीस बीस चालीस चालीस में पांच का भाग दोगे तो कितना होगा आठ तो बहुत जो है बहुत लोग क्या होता है अपनी खुशी रोक नहीं पाते पांच अठा चालीस जहां देखा आठ ऑप्शन टिक लगा दिया रहे पहले देखो तो क्या होगा भूल गए क्या पूछ रहा है ये तो ना कि ऑप्शन देखा आठ निकले आठ निकले के भूल गए सब टिक लगा दिया ऐसे आपको एसडी पूछ रहा है आठ <coughs> नहीं होगा वेरिएंस होगा तो आठ आंसर होगा तो वेरिएंस का जो अंडर रूड होगा वही हमारा एस होगा बेटा वेरियंस कितना है आठ आठ का मतलब चार गुणा यानी क्या होगा एस हमारा होगा टू रूट टू ठीक है टू रूट टू ये आंसर हो गया ठीक है बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है इसका आंसर क्या होगा टू रूट टू ये आ गया अच्छा एक बात और पूछना चाहते हैं आप हाँ बच्चों से बहुत बढ़िया वेरी गुड सी आप बच्चों ने बहुत बच्चों ने बताया वेरी गुड शाबाश वेरी गुड यहां पर आंसर सही बता रहे हैं आप अच्छा ये मुझे जानना है बेटा एक बात ध्यान रखना है अगर किसी क्वेश्चन में मैंने कहा सी बी ऑफ द नंबर सी बी मतलब होता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन वेरिएशन अब देखो फिर एक नया चीज लेकर आ गए विचरण गुणांक तो क्या इसको जानते हो बताओ निकाल सकते हो पहले मुझे ये बताइए हाँ या ना मैं बताओ ईमानदारी से बताना पूरा सही बताना कि सर हो पाए विचरण गुणांक जानते कि नहीं जानते आप बोले क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हो कि नहीं जानते हुआ। सी हो सीबी पता हो गया कि नहीं हो गया सवाल नहीं नहीं सर जानते नो देखो बहुत लोगों के रिप्लाई आएंगे नहीं सर अब यही हम सवाल टेस्ट में डाल देंगे नहीं कर पाओगे देखो मोस्टली आप देखो कितने लड़के हैं नौ सर नौ सर जब तक चल रहा है नौ सर नो सर सब नौ सर चल रहा है देखो मैंने कहा 99% नाइन परसेंट नाइन्टी नाइन नहीं लेने ऐसा नहीं कि कुछ लोग देखो ज़्यादातर सभी बच्चे कह रहे हैं नो सर नो सर अब आप देख सकते हो मैं अपना अनुभव हम डॉक्टर हैं तो जानते हैं पेशेंट के क्या कमजोरियां हैं पेशेंट क्यों कमजोर है वो हम उसका कारण जानते नहीं जानते सर नहीं कर पाएंगे अब आप बताइए इनमें से कोई ऐसा भी बच्चा नहीं है जो ये बोल सका सर मैं जानता हूं बोलो अमित पाल जानते हो कि नहीं जानते हो अमित पाल विकास चौहान जल्दी से बताइए क्या जानते हो आप बोलो जल्दी बताओ अभिषेक से गोविंद कह रहे हैं हाँ जानते हैं अंकित कुमार कह रहे हैं जानते हैं अंकित कुमार कह रहे हैं जानते हैं नहीं जानते हैं। देखो इधर बता दीजिए चलो देखो इधर सुनो सी बी अरे स्टैंडर्ड डि निकाल लेते हो ये होता सिग्मा सिग्मा मतलब एस डी स्टैंडर्ड डिशन अपॉन एक्स बार इंटू हंड्रेड ये फॉर्मूला है बस है, कितना आसान है एस डी निकाल लिया एच डी यहां रख दिया टू रूट टू मीन कितना था ग्यारह इंटू हंड्रेड कटेगा है नहीं तो दो सौ सो, सॉरी दो सो रूट टू डिडेड बाई ग्यारह ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन विचरण गुणांक ये केवल ये जो बोल रहा है उसको कैसे निकाल दें वो जानो केवल वो जानो वो हम समझा रहे हैं आपको विचरण गुणांक कैसे निकालता है क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन तो याद रखना सिग्मा पॉन एक्स बार इनटू हंड्रेड ठीक है अब अब जान गए अब बन गए समझदार अब बन गए समझदार बेटा तुम कमजोर नहीं हो तुम्हारी सोच कमजोर है कई बार ऐसा होता है मतलब हमें ऐसा लगता है कोई कमजोर नहीं है बस ये है कि कोई बेवकूफ नहीं है बस ज्ञान नहीं है आपको इसलिए आप कोई कमजोर नहीं होता है मिटा दे चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो बता रहे बता रहे परेशान ना हो कर लेंगे सब वेरी गुड चलो आप देखेंगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्यों हमने आपको वेरिएंस भी निकालना सिखा दिया और प्रश्न भी निकालना सिखा दिया अच्छा सुनिएगा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं इसका आंसर मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाएंगे एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना यहां पर हम लिखेंगे most, most ट्रिक मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ट्रिक है सब पहला जैसा बोल रहे वैसा ही लिखना हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर कर देना ठीक है देखो बेटा होता क्या है कि कभी भी आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा ये शुरुआत की जो चार्ट ट्रिके हैं उनको बहुत ध्यान से सुनना होगा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक जैसे मान लीजिए मैंने कहा इस क्वेश्चन का आंसर देना हंड्रेड ऑब्जर्वेशन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का मतलब जैसे हमने आपके सामने दो ऑब्जर्वेशन ये कितनी ऑब्जर्वेशन है दो ऑब्जर्वेशन ऐसी आपकी अट्ठानवे और कोई ऑब्जर्वेशन वो दिया नहीं क्या है मान लो इन हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का आपका मीन कितना है टेन है मान लीजिए सपोज सुनिएगा मेरी बात को सुनिएगा बस और ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे आरडी सर हम सवालों को देखोगे जो इलेवेंथ क्लास की ये लेट करके करेंगे x1 x2 x3 टू डॉट 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 लेट ऑब्जर्वेशन इस तरीके से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर तो तु आंसर तुरंत इक्वल टू में ये जेई मेन के सवाल है तुरंत हम लगाएंगे अभी तुम देखना मजा आ जाएगी समझना ये बहुत ही गजब का इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारा जगना यहां पर सार्थक हो जाएगा ये नॉलेज और ये ज्ञान बच्चों को नहीं होगा लेकिन आज आपको ये ज्ञान होगा इसीलिए मैंने कहा ना कि आज आपकी जो ये समस्या है सांख्यिकी इसका अंत करने आ गए हैं हम और अंत करके ही जाएंगे तो यहां पर क्या है मीन मान लो हंड्रेड ऑब्जर्वेशन का मीन टेन है इफ टेन सॉरी इफ टेन नहीं इफ टू इज एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन ध्यान से सुनिएगा इस हंड्रेड ईच ऑब्जर्वेशन हिंदी में बोल रहे यदि प्रत्येक परीक्षण में प्रेक्षण परीक्षण नहीं प्रेक्षण प्रेक्षण मतलब अभी लिखाएंगे अभी परेशान लिखना नहीं अभी तुम लोग परेशान हो होगी छूट ना जाए कुछ हम लिखेंगे खुद यहां पर वो चीज तुम भी लिखोगे जो हम लिखेंगे अगर क्या है हंड्रेड हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन हंड्रेड ऑब्जर्वेशंस का माध्य सौ है और यदि प्रत्येक प्रेक्षण में दो जोड़ा जाए ईच टू एडेड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन वट इज द मीन ऑफ मीन ऑफ न्यू हंड्रेड ऑब्जर्वेशन बता सकता कोई इसका आंसर बोलिए बता सकता कोई इसका आंसर हमने कहा मैंने क्या कहा बोलो जल्दी से बोलो कोई बता पाएगा इसका आंसर हां बताओ बेटा उत्कर्ष बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो यहां पर लिखेंगे बेटा यदि एफ लिख देना टू इंक्रीज बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रस यस रावत बहुत बढ़िया वेरी गुड देखो लिखेंगे यदि एन ऑब्जर्वेशन n, n में, प्रेक्षण में लिखो जल्दी लिखना चालू करो जितना हम लिख रहे हैं वो लिखना चालू करो बच्चों की तरह लिखो बच्चे ही हो तुम अभी ठीक है बच्चे ही हो हमारे लिए इसलिए बच्चों की तरह लिखो यदि एन ऑब्जर्वेशंस का माध्य माध्यम मतलब इंग्लिश मीडियम वाले भी ऐसे लिख लो इंग्लिश में भी लिख रहे हम मीन कुछ एक्स बार है एन ऑब्जर्वेशन का मीन एक्स बार है यदि प्रत्येक प्रेक्षण में ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रत्येक परीक्षण मतलब सभी में में के जोड़ एड जोड़ दिया जाए यानी प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है उसमें हमें के ऐड करना है तो न्यू अब नए ऑब्जर्व भाई ये बताओ दो है एग्जाम्पल में भी अभी फील कराएंगे तो न्यू ऑब्जर्वेशंस यानी नए परीक्षणों का माध्य मतलब मीन या होगा ये कह सकते हो न्यू मीन भी कह सकते हो न्यू मीन अब क्या होगा उद्यान देना पहले कितना था एक्स बार तो कुछ नहीं करना तुम्हें सर एन पे डिपेंड नहीं करता है ऑब्जर्वेशन चाहे दस हो चाहे पचास हो चाहे एक लाख हो चाहे दो लाख हो चाहे दो करोड़ हो उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कोई डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि सवाल में लिख दिया गया प्रत्येक परीक्षण में जोड़ा जा रहा है ईच ईच ये देखो इसीलिए कह रहे हैं इसको आप हाइलाइटर लाइटर से इसको कर देना यानी प्रत्येक परीक्षण में यानी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दिया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा उस मीन में आप उसको ऐड कर देना बस इतना याद रखना ठीक है याद रखना ये हमारी फर्स्ट कंसेप्ट है फर्स्ट ट्रिक है बस ये मान के चलिए अब हमें कभी भी कोई क्वेश्चन दिया जाए हंड्रेड ऑब्जेश अरे तुम हंड्रेड की जगह एक हजार एक लाख कर दो ऑब्जर्वेशन इससे कोई दिक्कत नहीं कोई फर्क नहीं पड़ना इसमें एन आ ही नहीं रहा इसलिए एन पे डिपेंड ही नहीं करता चाहे दस ऑब्जर्वेशन लो पांच ऑब्जर्वेशन लो हजार ऑब्जर्वेशन लो दो करोड़ ऑब्जर्वेशन लो यानी जितने भी परीक्षण लोगे उनका मीन अगर आपको दिया अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप कुछ नंबर ऐड कर रहे हो तो आप सर वो ऑब्जर्वेशन तो दी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें आप अगर हर नंबर में कुछ ऐड करोगे तो आपका जो नया जो न्यू ऑब्जर्वेशन है उनका मीन क्या होगा इन दोनों को ऐड कर देना बस मतलब पहले जो था वो नया नया जो मीन होगा उसमें उसको ऐड कर देना इतना ही होगा डिटेल में करने की जरूरत नहीं एग्जाम्पल के लिए एक प्रैक्टिकल कर देते सर एक प्रैक्टिकल करा दीजिए बिल्कुल कराएंगे जैसे हमने कहा दो चार छह छह दो बारह पांच तीन आठ छह चौदह चौदह चार ये देखो ये है इनका मीन निकालो पहले इनका मीन निकालो मीन निकालो कितना होगा जोड़ो पांच और तीन आठ आठ और छह चौदह चौदह चार अठारह अठारह दो बीस कितने हैं पांच तो चार कितना आ गया मीन इनका चार अब हमने क्या किया प्रत्येक परीक्षण में परीक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं हमने क्या कर दिया हर एक परीक्षण में हमने कोई भी नंबर जोड़ दो तो पांच ऐड कर दिया चलो तो ये क्या हो जाएगा ऐसे मान लो सवाल कभी कभी ऐसे थी इनका प्रत्येक में पांच जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बताओ सात पांच जोड़ो पांच जोड़ते जाओ नौ पांच जोड़ो ग्यारह पांच जोड़ो आठ पांच जोड़ो दस तो इनका मीन निकालो न्यू मीन है इसको हम एक्स बार एक्स बार करके कर दे रहे हैं मतलब न्यू एक्स बार कह सकते हो एक्स एक्स बार मत कहना वो पैरा वाला न्यू एक्स बार कितना होगा अब देखो ऑब्जर्वेशन चेंज हो गई कि नहीं हो गई तो इसीलिए कह रहे हैं न्यू ऑब्जर्वेशन जो नए परीक्षण हो गए देखो अब बदल गए कि नहीं बदल गए हर कोई जोड़ो जरा आ दस और आठ अट्ठारह अट्ठारह और ग्यारह अट्ठारह और ग्यारह कितना होगा उनतीस उनतीस और नौ कितना होगा अड़तीस अड़तीस और सात पैंतीस डिवाइडेड बाई पांच देखो सात आ रहा है अजरा स्ट्रिक का इस्तेमाल करो न्यू मीन क्या होगा न्यू एक्स बार क्या होगा पहले कितना था मान लो पहले ऑब्जर्वेशन चार था उसको ऐड कर दो कितना हो गया गलत कर दिया क्या एक मिनट है दो और चार छः और छ बारह बारह तीन पंद्रह पाँच बीस अभी देख हैं चार और ये प्रत्येक प्रश्न में पाँच जोड़ दिया दो पाँच सात चार और पाँच नौ छः और पाँच ग्यारह तीन और पाँच आठ पाँच और पांच दस दस और आठ अठारह अठारह और ग्यारह उनतीस उनतीस और नौ अड़तीस और सात पैंतालीस हो गए पांच नमह देखो नौ बन रहा कि नहीं बन रहा देखो, वही ट्रिक तो लग रही है तो इसका मतलब कभी अगर ऐसा सवाल दिया जाए कि कुछ ऑब्जर्वेशन है चाहे सौ लिखे चाहे पच्चीस लिखे चाहे दस 10 लिखे हजार लिखे ऑब्जर्वेशन कोई मतलब नहीं और ये भी लिखा होगा प्रत्येक परीक्षण में तीन जोड़ दिया जाता है तो नए परीक्षणों का माध्य क्या होगा तो पहले कितना था उसमें उसको जोड़ दो वही आपका आंसर होगा ठीक समझ में आया पहला फंडा क्लियर है सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसी सेकंड पॉइंट में फिर से लिखो ये जो लिखा है इसी को लिखो दोबारा से लिखो यदि एन ऑब्जर्वेशन का माध्य एक्स बार है प्रत्येक परीक्षण में के घटा दिया जाता है घटा घटाने मतलब सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट घटा दिया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशन का क्या होगा इसमें भी माइनस कर देंगे बहुत इजी हो गया सर ये तो ये तो सर बहुत ही आसान हो गया रब करें ये तो बहुत ही हमारे लिए आसान हो गया नंबर थर्ड थर्ड लिखेंगे थर्ड में लिखेंगे यदि इफ एन एन ऑब्जर्वेशंस का मतलब हुआ न्यू मीन लिख दोगे ना लिख लो बेटा है एक्स बार माइनस के लिखो जल्दी से नोट्स बनाइए जल्दी बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे करना है सॉल्व सर ये पांच क्यों ऐड कर दिया बेटा वो हम समझा रहे थे ना हमने जो ऑब्जर्वेशन ली थी उसमें आपको समझा रहे थे अनिकेत बेटा नहीं आया समझ में देखो अभी हम बता दे रहे हैं। फिर से लिख दे रहे क्या लिखा था यार वो एग्जाम्पल देखना हाँ क्या था सात नौ नहीं, एक मिनट रुक जाओ दो <coughs> अरे समझ में आया वो हम समझा रहे थे बेटा अनिकेत नहीं आया समझ में हम ये समझा रहे थे अगर हम सारे ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐड करें पांच की जगह कुछ भी ऐड कर दें पच्चीस ऐड कर दें दस ऐड कर दें दो ऐड कर दे हजार ऐड कर दें तो जो न्यू मीन होगा वो पहले जितना मीन था उसमें उसको ऐड कर देना वही आंसर हो जाएगा आया बेटा अनिकेत बेटा कोई दिक्कत है एन ऑब्जर्वेशंस का माध्य एक्स बार है और प्रत्येक परीक्षण में चलो चलो दोबारा समझा दें कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो इधर दोबारा से समझा देंगे तो बता दे देखो बेटा यहां पर इस बात को समझिएगा जैसे हम ये बोल रहे हैं, एक तीन चार सात सात चल ग्यारह तीन चौदह एक पंद्रह पाँच मैंने कहा ये ऑब्जर्वेशन है बेटा सवाल में जैसे अगर हमने कह दिया एक प्रॉब्लम दे रहे हैं। जैसे हमने कहा पचास प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस का माध्य यानी मीन दस है यदि प्रत्येक परीक्षण प्रत्येक परीक्षण का मतलब क्या हुआ ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन प्रत्येक परीक्षण में ऐड कर दिया जाए जोड़ दिया जाए यानी कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन में लिखा है ना तो नया माध्य क्या होगा भाई अब 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 प्रेक्षण बदल जाएंगे ना न्यू मीन वट विल बी द न्यू मीन तो पहला ऑप्शन हमने दे दिया थर्टीन दूसरा ऑप्शन है टेन तीसरा ऑप्शन है नाइन चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस बोलो जल्दी से बताइए यहां पर आंसर बताओ आ गया बेटा अमित बर्नवाल ये उदित बर्नवाल के भाई हैं क्या अमित बर्नवाल आ गया बेटा पहले मुझे बताइए पर सेना बेटा आया समझ में परणव मुझे बताएंगे परणव बेटा मुझे बताएंगे आकाश यादव ए अमित पाल ए अभय कटियार ए परणव का सकसेना बेटा बोलो आगे, बहुत बढ़िया वेरी गुड बेटा हम ये कहना चाह रहे हैं वो डिटेल में यार आर डी शर्मा में देखा है आर डी शर्मा क्या होता है एकस 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 तो उसमें देखो शर्मा में में ऐसे निकाला जाता फिर वो डिटेल में करेगा इस तरीके से किया होगा किताब में इन सब का माध्यम और ये दिया हुआ पचास पचास है तो पचास और डिवाइड तो इतना लंबा नहीं करना यार तुम्हें एक ट्रिक बता दी उस ट्रिक का इस्तेमाल करो तुम ये देखो प्रेक्षण चाहे पचास हो चाहे पांच सो चाहे हजार हो चाहे दो करोड़ हो प्रेक्षण से कुछ नहीं होगा नंबर ऑफ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। आप जिसको ऐड कर रहे हो प्रत्येक उससे इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले मीन कितना था उनका होगा। सब में, उन का पता करने जरूरत ही नहीं है जो भी होंगे न्यू मीन क्या होगा पहले कितना था दस कितना जोड़ा सब में उस, उतना ही इसमें जोड़ दो अब ये नए परीक्षणों का मीन क्या हो जाएगा तेरह हो जाएगा ठीक है चलो बहुत बढ़िया नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखने जा रहे हैं थर्ड पॉइंट में क्या होगा लिखेंगे यदि एन ऑब्जर्वेशन का माध्य और देखो एन ऑब्जर्वेशन का माध्य एक्स बार और प्रत्येक परीक्षण में के का मल्टीप्लाई कर दिया जाए गुणा मल्टीप्लाई का मतलब क्या है गुणा मल्टीप्लाई कर दिया जाए कर दिया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशंस न्यू अब्जर्वेशन्स का न्यू मीन क्या होगा उसमें भी मल्टीप्लाई इसका मतलब ऐड कर रहे हो तो न्यू मीन में भी मतलब सिंपल सी है जो शुरुआत की ट्रिक है ये तीसरा है तीसरी ये सब वही है देखो पहला पॉइंट क्या था पहला पॉइंट समझ में आ गया ना पहला पॉइंट क्या बताया था कि अगर आप नंबर ऑफ कितनी भी हो यार उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा आप जो हर ऑब्जर्वेशन में, तो में उतना ही ऐड कर देना जितना सब करो सब उसी को सब कर देना मल्टीप्लाई करो सारे मीन में तो जो होगा, तो पहले वाले मीन में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना <laughs> तो सर ये तो बहुत है जोड़ना है जोड़ दो घटाना है घटा दो मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई कर दो नंबर फोर्थ अब लिखिए फोर्थ अपने आप बनाइए जहां मल्टीप्लाई लिखा है वहां लिखा है डिवाइड कर दिया जाए तो आराम से बार बार माइंड में चीजें हिट कर रही ना इसलिए चार अलग अलग करके मैं चाहता तो एक ही साल लिखा दे तो जोड़ो घटाओ कुछ भी करो लेकिन हमने अलग अलग इसलिए लिखा है कि बार बार वो पॉइंट आपके माइंड में हिट करेगा तो आपको ये बात याद हो जाएगी लिखे यदि एन ऑब्जर्वेश में एन ऑब्जर्वेशंस यानी प्रेक्षण में प्रेक्षण सॉरी एन ऑब्जर्वेशन का माध्य माध्य मतलब है मीन कितना है बेटा एक्स बार है एक्स बार है तथा यदि प्रत्येक परीक्षण प्रत्येक परीक्षण का मतलब है ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन प्रत्येक परीक्षण में के का डिवाइड कर दिया जाए भाग दे दिया जाए यानी भाग डिवाइड कर दिया जाए यदि प्रत्येक परीक्षण में एक का डिवाइड कर दिया जाए तो न्यू ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन अब बदल जाएंगे भाई यार ये बताओ चार था एक ऑब्जर्वेशन तुम दो का डिवाइड करो बदलेगी तो नहीं तो नए ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे तो न्यू ऑब्जर्वेशंस का मीन न्यू मीन क्या होगा तो उस नंबर को उसको मीन को भी उस नंबर से डिवाइड कर देंगे नोट कर लीजिए जल्दी से नोट करिए जल्दी से फटाफट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं सब मजा आ गया इस बार सबका सिलेक्शन होगा देखना इस तरीके से अगर मेहनत कर रहे हो आप तो कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती बेटा आप हारते केवल खुद की वजह से हो तुम बस अपने आप से मत हारना फिर तुम्हें किसी का बाप भी नहीं हरा सकता ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा। तुम बस अपने आप से मत हारना फिर तुम्हें किसी का बाप भी नहीं हरा पाएगा ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट है अच्छा एक चीज है सर माध्य के लिए बताया सर ये मीन और मॉड के लिए नहीं बताया जिसकी शुरुआत एम से होगी उन सब के लिए है है मॉड की भी एम से शुरुआत होती है मीडियन की भी शुरुआत एम से होती है और मेन की भी शुरुआत एम से होती है तो पांचवें पॉइंट में लिखेगा ये चार ट्रिकें लिख लो ये चार ट्रिक्स या ट्रिकें लिख दो कोई दिक्कत नहीं ये चार ट्रिकें मॉड मीडियन के लिए भी लागू होती हैं अगर किसी का मीडियन दिया हुआ है पांच और सब में तुम ऐड कर दे रहे हो कोई नंबर तो न्यू मीडियन क्या होगा वो उस मीडियन में भी एड हो तो बस बस चौथा तुम पांच पांचवा पॉइंट लिखो पांचवा पॉइंट हमने बोल दिया ना लिखो ये ट्रिक ये चार ट्रिक चार ट्रिक मतलब ऊपर की चार ट्रिक ये लिख दो ऊपर की चार ट्रिक मॉड मीडियन के लिए भी क्या होगी वैलिड होगी ठीक है ना मीन मीडियन और मॉड के लिए वैलिड होगी जिसकी शुरुआत एम से हो रही तो एम की शुरुआत किससे होती मॉड की मीडियन कभी अगर भूल गए तो तो याद रखना ठीक है तो है कि नहीं कमाल के हैं चलो ये भी बात सही हो गई चलो आगे देखेंगे पांच हो गई छठवा चलो आगे देखेंगे सिक्स क्वेश्चन में क्या बात करें लिखिएगा सिक्स में यदि एन ऑब्जर्वेशंस अच्छा जो पहली वाली ट्रिक थी उसमें क्या बताया था यदि एनऑब्जर्वेशंस का मान लीजिए <coughs> वेरिएंस सॉरी एन ऑब्जर्वेशन अच्छा ये बताओ पहले वाले सवाल में आपको याद रखना है अगर कुछ ऐड करोगे सब करोगे क्या बताया था देखिएगा इधर समझना बेटा इसको समझ लेना अगर तुम समझ लोगे तो समझो तुम्हारी जीत है समझ लोगे तो तुम्हारी जीत है नींद आ रही प्रणौ सक सेना को नहीं बेटा अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है ठीक है याद रखना अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है अभी कहाँ खेल खत्म हो यार देखो दर यहां पर क्या होगा अरे यार अब तो मंजिल के पास पहुंच गए हो बताओ और कह रहे हो कि नींद आ रही है अब तो तुम्हें नींद भागनी चाहिए अब तो खुश होना चाहिए <laughs> कि मंजिल मेरी करीब जब नींद तो तुम्हें तब आनी चाहिए थी जब क्या है ग्यारह बज रहा था दस बज रहा था ल, रास्ता लंबा है लेकिन जब मंजिल के पास पहुंच गए तो, तो पागल होना चाहिए खुशी की मारे बताओ यार मैं आज जग गया पूरी दुनिया सो रही है करवट बदल रही है मैं भी बदल रहा हूँ लेकिन मैं अपना पन्ना बदलट रहा हूँ यानी पन्ना बदल बदल रहा हूँ इस पन्ने में कंप्लीट हो गया तो दूसरा ही पन्ना तो चेंज करो तुम भी बदल रहे हो वो करवट बदल रहा है तो तुम पन्ना बदल रहे हो अभी तो देखिए सूर्यास्त निगम भी कह रहे हैं अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया देखिएगा बहुत ही कमाल का ट्रिक है अच्छा एन ऑब्जर्वेशन का मीन सुनना जरा मुझे इसका जवाब दीजिएगा देखें कितने बच्चे कहेंगे मैं आपको आंसर दे रहा हूं सवाल सुनिएगा का। कान खोल कर सुनिएगा अरे यार नींद भागेगी तुम्हारी कैसे तुम्हें नींद आ गई यार मैंने क्या कहा कि आप <coughs> अपने आपके लिए ताली भी बजवाना चाहते हो ठीक है तारीफ भी करवाना चाहते हो दूसरे के मुंह से तो कैसे बन पाओगे बताओ कैसे होगा खेल कैसे बनेगा बताओ तो मैं यार समझ में नहीं आ रहा यार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कोई भी स्टूडेंट है जो देख रहा है यार सवा देखो दो बीस हो गए अभी हमारे सामने घड़ी है तो हम उसमें देख रहे हैं दो बीस हो रहा है तुम्हें तीन बजे का है पहुंचने वाले हो खुशी होनी चाहिए बताओ यार मैं आज जग गया मुझे यकीन नहीं था मैं आज जग गया पूरी दुनिया सो रही निकल के जाओ बाहर छत पे देखो देखो क्या मैं सच बोल रहा हूँ सब लाइटें बंद करके सो रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को सुनिएगा मैंने कहा हंड्रेड ऑब्जर्वेश हंड्रेडर्वेशन देखिए लोगों का दिमाग प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में हमने क्या किया टू ऐड किया लिखा नहीं हमने इफ टू इज एडेड टू ईबरवेश हंड्रेड हैं और इनका इनका मीन है <coughs> फोर मीन ऑफ हंड्रेड ऑब्जर्वेशलतर फोर मीन मीन बार बार निकल रहा है सौ परीक्षणों का जो है प्रश्न चार दिया है अगर प्रत्येक परीक्षण में कितना जोड़ दिया जाए दो जोड़ दिया जाए तो न्यू आपका क्या होगा न्यू आपका स क्या होगा पहला ऑप्शन है टू होगा दूसरा ऑप्शन है सिक्स होगा तीसरा ऑप्शन है एट होगा चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा सवाल सुन लिया सवाल सुन लिया देखो अभय चौहान बिल्कुल एकदम मैंने कहा ना अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है क्या बोला असली उड़ान बाकी है चलो बताइए भाई गंगा सागर कह रहे हैं बी इसने राणा बी हम तो देखो युद्ध के लिए तैयार होगा देखा नहीं हमने देखो इधर ऊपर कर दिया इसको बिल्कुल खतरनाक तरीके से कि अब तो और मजा आएगा मुझे तुम तैयारी कर रहे हो सोने की और हम युद्ध के लिए तैयार हैं हमें तो जगा दे ये पूरी दो दिन दो रातें जगा ले हम दो रातें जग लेंगे बेटा ये मेरे लिए बच्चों का खेल है खिलाड़ी हो तो हम मिस्टर खिलाड़ी हैं सर ये क्या कह दिया आपने कि आप खिलाड़ी हैं तो हम नहीं है मिस्टर खिलाड़ी तो बनो ना मिस्टर खिलाड़ी आधा घंटा है बचा हुआ है तब भी तुम्हें नींद आ रही बहुत तेजी से इसका आंसर बताओ बेटा इसका आंसर बताइए देखो ये सनी राजपूत भी कह रहे नींद कैसे आ सकती है अभी तो पूरा आसमान छूना बाकी होना चाहिए ना पूरा आसमान छूना बाकी समसाद अली बी सी अभिषेक से गोविंद सिंह चलो हम बता रहे हैं इसका आंसर होगा ये आंसर होगा डी कैसे डी होगा देखो इधर कैसे कैसे बाज बनोगे कैसे उड़ोगे तुम बताओ यहां पे जैसे आया ना कैसे हो गया डी तो वैसे यहां पे पॉइंट आया कैसे बाज बनोगे तो ये कैसे डी आया ये भी एक शब्द है कि कैसे डी आया बेटा अगर एन ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड किया जाए सप्टेट की जाए पॉइंट टू बी नोटेड लिखना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंट है बेटा नहीं सनी राजपूत बेटा पहले सुनो तो मैंने वेरिएंस के लिए नहीं बताया मैंने आपको कहा था मीन में मीन में इंक्रीज करना सुन लेना सुन लेना यहां पर अगर यदि एन ऑब्जर्वेशन में के एन ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में प्रत्येक प्रेक्षण में प्रत्येक प्रेक्षण मतलब ईच ऑब्जर्वेशन में ईच ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन में के ऐड कर दिया जाए जोड़ दिया जाए तो सुन लेना मजेदार पूरा आनंद जोड़ ऐड कर दिया जाए या सपरेट कर दिया जाए दोनों को एक साल लिख दो सपरेट कर दिया जाए वेरिएंस और एसडी में कोई बदलाव नहीं होता है नो चेंज नोट कर लीजिएगा है जब का पॉइंट इतना ढूंढने से नहीं मिलेगा ये तो हमने तुम्हें दे दिया समझो खजाना है लूट लो जितना लूट सकते हो देने वाला लुटा रहा है लूट सको तो लूट यहां पर एन ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक परीक्षण में ऐड और कर दिया जाए तो उसका वेरिएंस और एसडी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा no नो चेंज एक बच्चे ने कहा होगा ऑफ ऑफ वेरिएशन वेरिएशन बेटा में बदलाव होगा कारण क्योंकि सिग्मा अपॉन एक्स बार इन टू हंड्रेड सिग्मा तो नहीं बदलेगा लेकिन एक्स बार बदलता है किसी नंबर को ऐड कर दिया जाए प्रत्येक प्रश्न में तो उसका एक्स बार एक्स बार प्लस के हो जाता तो ये क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन चेंज होता है लेकिन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविशन में कोई बदलाव नहीं होता है यानी मैं हंड्रेड ऑब्जर्वेशन अरे कोई फायदा नहीं उस हंड्रेड को बोलने से तुम पच्चीस बोलो तुम पचास ऑब्जर्वेशन बोलो तुम एक लाख ऑब्जर्वेशन बोलो ऑब्जर्वेशन से कुछ दिक्कत नहीं समझ समझो बेटा चाहे हंड्रेड ऑब्जर्वेशन हो चाहे पचास हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है जितनी भी ऑब्जर्वेशन हैं आप याद रखना अगर हर ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे कोई नंबर मतलब मान लीजिए हंड्रेड ऑब्जर्वेशन उनका मैंने कहा मीन जो है पच्चीस है सॉरी मीन पच्चीस लेकिन अगर 100 या ऑब्जर्व मतलब पचास ऑब्जर्वेशन का वेरियंस अगर दस है तो अगर हर एक लाख हर ऑब्जर्वेशन में ऐड कर दे तो कर दो लेकिन उसके वेरिएंस जितना पहले था उतना ही रहेगा जोड़ने से घटाने से प्रत्येक परीक्षण में हर ऑब्जर्वेशन में किसी नंबर को ऐड करने से सब करने से आपके वेरिएंस में चेंज नहीं होता है ठीक है बेटा बात को समझिए अगर मैंने कहा पचास ऑब्जर्व मान लो सपोज पच्चीस ऑब्जर्वेशन है पच्चीस यही तो सब गजब के पॉइंट हैं लगाते फिरोगे बार बार ये लेकिन हमने डायरेक्ट बता दिया एक ऐसा रिजल्ट जो हमेशा के लिए ट्रू है कभी फेल नहीं होगा 25 ऑब्जर्वेशन का मान लीजिए वेरिएंस क्या कहा सोलह है मान लो सोलह है सपोज सोलह है अगर कहा प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में टू ऐड कर दी जाए तो न्यू का observations का observations का न्यू <coughs> वेरिएंस क्या होगा तो जानते हो क्या होगा सोलह ही रहेगा केवल बदलाव चेंज होता है मीन बदलता है मीडियन बदलता है और मॉड शुरुआत की चार ट्रिकिंग किसके लिए वैलिड है मीन मॉड मीडियन लेकिन 25 ऑब्जर्वेशन में क्या कहा 25 ऑब्जर्वेशन है तुम कुछ भी ऐड करोगे वेरिएंस में कोई चेंज नहीं होगा ऐड, सब करने सर, सर वो अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारी सातवीं ट्रिक आएगी अभी हमारी चार ट्रिक और बाकी है ठीक है जल्दी से बताइए चलो कुछ तो मिला फायदा अगर एन ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक प्रेक्षण में के ऐड और सब कर दिया जाए तो वेरिएंस और एस में कोई बदलाव नहीं होता है केवल बदलाव होता है तो किस में होता है मीन में मीडियन में और मॉड में ठीक है बेटा आगे नहीं बात समझ में चलो शुरुआत की चार ट्रिकिंग किसके लिए वैलिड है जिनकी शुरुआत एम से होती है मीन मीडियन मॉड ठीक चलो आगे बढ़ेंगे सात ट्रिक सात आठ नौ दस दस में ट्रिक में ठीक है इसको नोट कर लिए ना लिखेंगे छह हो गया सातवां सातवां क्या है यदि एन ऑब्जर्वेशंस प्रते, के प्रत्येक परीक्षण में परीक्षण में प्रत्येक परीक्षण मतलब ईच ऑब्जर्वेशन के का मल्टीप्लाई कर दिया जाए कर दिया जाए तो न्यू वेरिएंस क्या होगा जो पहले वेरिएंस था ओल्ड वेरिएंस मतलब पहले जो वेरिएंस था उसमें उसका स्क्वायर हो जाता है ध्यान रखना उसमें क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है बड़ा गजब का पॉइंट है बहुत कमाल की टेक्निक है और नंबर एट यदि एन ऑब्जर्वेशंस लिखो जल्दी लिखते रहो प्रेक्षण पीछे वाले का आंसर बताया तो उसका आंसर क्या होगा अभी सब बता देंगे परेशान हो फिर दोबारा रिपीट कर देंगे अस्तित्व बेटा इसको लिखो एन ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक प्रेक्षण में प्रत्येक प्रेक्षण का मतलब है ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन में लिखो इसलिए तो नींद नहीं आएगी लिखने से याद भी हो जाएगा सोचते भी याद हो जाएगा का डिवाइड किया जाए डिवाइड कर दिया जाए तो स क्या होगा न्यू ऑब्जर्वेशन का न्यू बेरियंस ओल्ड का मतलब जो पहले दिया था बेरियंस ओल्ड वेरियंस का क्या हो जाएगा के है तो के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा चलो अब बात करते हैं एस डी में क्या होगा यदि यहां पे नाइन्थ तो लिख लेना है, ये नोट कर लिया नाइंथ और तो टेन इसमें हम बदलाव कर रहे हैं ठीक है मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा तब चेंज होगा तब वेरियंस बदलेगा तो क्या करना है दो का मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस दो, दो का स्क्वायर हो जाएगा दो का मल्टीप्लाई करोगे तो वेरिएंस दो का स्क्वायर हो जाएगा और दो का डिवाइड करोगे तो दो का स्क्वायर नीचे डिवाइड करना इतना लिख लिया पहले बताओ इतना लिख लिया आठ तक हो गया बोलो ये आठ तक हो गया नवा ऊपर लिखेंगे आठ तक हो गया दस टेक्निक है ना आठ तक हो गया बोलो लिख लिया आठ तक की नहीं लिख लिया जल्दी बताइए अरे यार सोना नहीं है यार तुम लोग मंजिल तक पहुंच रहे हो तब भी बताओ ऐसी तो होता है एट तक हो गया आप देखो इकतालीस बच्चे हो गए कहां पचास चल रहे थे नौ ऐसी चले गए बताओ आदर्श भटनागर बहुत बढ़िया देखो आना पड़ेगा यार वापस अंशुल सिंह बहुत बढ़िया बेटा चलो तो नाइन्थ लिखें यदि एन ऑब्जर्वेशन के प्रत्येक परीक्षण में के मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो न्यू एस डी न्यू एस डी में क्या होगा वही नहीं होता के स्क्वायर उसमें के का मल्टीप्लाई क्यों सर देखो बेटा के स्क्वायर ये वेरियंस होगा ना न्यू वेरियंस यही होगा कि नहीं होगा बताओ तो हम हमारा एस डी क्या होगा हम न्यू वेरियंस का अंडर ही तो करेंगे और न्यू वेरिएंस का अंडर रूट क्या होगा खुद दिमाग लगाओ के स्क्वायर और ये वेरिएंस का एक्स तो के ही तो हो जाएगा इसका मतलब एस डी में के का मल्टीप्लाई होगा लेकिन एस डी में के का मल्टीप्लाई होगा वेरिएंस में स्क्वायर होता है ठीक है समझ रहे हो ना, ना बेटा वेरिएंस में क्या करोगे के स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे और एस डी में के का मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह से ऑब्जर्वेशन में कर दिया जाए तो न्यू एसडी जो न्यू एस डी होगा वो क्या होगा ओल्ड एस डी डिवाइडेड बाई के हो गया क्लियर बहुत बढ़िया आ गया यार बयालीस तो कम से कम एक तो बढ़ गया होता क्या है बेटा हम सबको आसमान पे देखना चाहते हैं मतलब बस चाहते हैं कि हर बच्चा जो है जब तक तीन बजे तक क्लास चल रही बस अब पहुंचने वाले हो वा, आप मंजिल के पास अब हमारे पास बचा है पच्चीस मिनट बचा है बताओ अब तो और ताकत होनी चाहिए जैसे कभी कभी क्या होता है मैंने देखा एक बचपन में मेरे साथ एक रेस हुई थी एट्थ क्लास में एक मैदान में ले गए एट्थ क्लास क्या ये लगभग पाँचवीं क्लास की बात है तो हमारे स्कूल से कहीं प्रतियोगिता हुई थी कहीं हम गए थे दौड़ने दौड़ना था उसमें दौड़ना था मतलब रेस थी इनाम मिलना था तो कम से कम छः साल लोग ऐसे लाइन पे लग गए थे तो हमने दौड़ा लेकिन हमारे मन में ये नहीं था कि हम जीत जाएंगे मतलब तो मैं जीतूंगा लेकिन यह है कि चलो दौड़ेंगे अब क्या हुआ कि कहा कि आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ आ जाओ तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा हम भी उधर बैठे तो कहा तुम भी आ जाओ शामिल हो जाओ मतलब उन्होंने पहले से ये फील कर लिया कि ये जीत नहीं पाएगा ये जो चीज़ नहीं होती जैसे किसी को आ जाओ जाओ तुम भी आ जाओ हंसते हुए सब लोगों ने मतलब जो है तुम भी आ जाओ दो चार लोगों को और बुला लो कम से कम कुछ लोग तो भाग ले लेकिन लड़का वहाँ पे रनिंग कर रहा था बहुत तेज दौड़ रहा था तो उन्होंने कहा कि चलो भाई यहाँ पे सब लोग आ जाइए और हमारी थोड़ी मजाक बन गई थी हंसने लगे सब लोग से चलो चलो शामिल हो जाओ फिर उसके बाद मेरे अंदर एक पता नहीं क्या एनर्जी लेवल हुआ मतलब उस समय भी हमने नहीं सोचा लेकिन जब हम दौड़ने लगे जैसी आधी दौड़ कंप्लीट मतलब हो रही थी लगभग बराबरी पे चल रहे थे सब लोग और मुझे लग रहा था मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूं लेकिन जब मैंने देखा यार अब तो टाइम को खत्म होने वाला है जैसी मैं मंजिल करी मैंने पूरी जान लगा दी पूरी ताकत लगा दी आज तो हवा में उड़ना है ऐसे भयंकर ये जो जैसे थॉट माइंड में आया ऐसे भू करके ऐसे बहुत तेजी से उनसे बहुत आगे निकल गए हम तुरंत पहुंच गए मंजिल पे और विनर बन गए वो सीन आज भी याद है हमें आधी दौड़ तक जब हम दौड़ रहे थे और लगभग हम आसपास ही थे थोड़ा पीछे थे हम लेकिन मतलब वो थोड़ा सा आगे थे थोड़ा सा और हमें लग रहा था मैं अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ लेकिन जब ऐसा लगा मंजिल आने वाली है यार अभी भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हम लोगों तब लगाई पूरी जान और ये सोच लिया अब तो हवा में उड़ के जाना है आज तो वो ताकत एक अंदर से आ गई और वाकई में हम विनर बन गए ठीक है ये होता है डिवाइड में के लिखा है बेटा की के लिखा है की न्यू एस जो होगा ओल्ड एसडी में डिवाइड कर दो ठीक है समझ रहे हो तो यार यहां पे तो खुश होना चाहिए तुम लोगों चलो चलो साइड हो गए बस बस होने वाला अब ये हो गया ना चलो एक क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कितने बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे मेरी बात को समझिए यहाँ पर समझिए फिर से मेरी बात को बताइए अच्छा ऐसे ही हम आपसे बोलते हैं इतना आंसर लिख दीजिएगा ठीक है बहुत बढ़िया यार चवालीस फिर आ गए हाफ सेंचुरी करवाओगे क्या आज चवालीस हो गए हमें लग रहा हाफ सेंचुरी हो जाएगी हमें लग रहा आज मिटाए इसको जैसे मान लो एक हम और, औरल टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इसका जरा जवाब दीजिएगा इसका जवाब दीजिएगा बताइएगा कि क्या होगा जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया एक क्वेश्चन दिया कि हमारे पास 40 ऑब्जर्वेशन कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है ऑब्जर्वेशन 40 हो चाहे हजार हो चाहे चार लाख हो ऑब्जर्वेशन है ठीक है इनका 40 ऑब्जर्वेशन का क्या है आपको वेरिएंस दिया हुआ है 16 कितना दिया सोलह हमने ईच ऑब्जर्वेशन में प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में क्या ऐड कर दिया प्रत्येक ऑब्जर्वेशन का मतलब है ईच ऑब्जर्वेशन में क्या कर दिया फाइव एड कर दिया तो न्यू हमारा वेरिएंस क्या होगा जल्दी से बताइए ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बताओ क्या होगा न्यू वेरिएंस क्या होगा जल्दी से बताइए स्नेहा राणा सिक्सटीन होगा चलो बहुत अच्छी बात अनिकेश सिक्सटीन बहुत बढ़िया अब इसका मतलब आपको फील हो गया कि ऐड करने से सब करने से वेरिएंस और एसडी में कोई दिक्कत नहीं होती जब भैया तो होगा वो भी, तो नहीं बदलेगा भी क्यों बदलेगा तो इसलिए फाइव एड करोगे तो अब आप, आपका आंसर न्यू, नहीं नई ऑब्जर्वेशन का वेरियंस प्रसरण क्या होगा वो सोलह ही होगा चलो अब हमने कर दिया ध्यान दिया नौ का मल्टीप्लाई कर दिया सॉरी तीन का मल्टीप्लाई कर दिया कितने का मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया तीन का तो अब बताओ न्यू वेरिएंस क्या होगा बता सकता है कोई तीन का मल्टीप्लाई कर दोगे हाँ बहुत बढ़िया अब अब चेंज होगा बेटा मल्टीप्लाई करने से डिवाइड करने से चेंज होगा ऐड करने से बहुत बढ़िया क्योंकि आपने तीन का मल्टीप्लाई किया तो जिसका वेरिएंस में क्या होता है उसका स्क्वायर नौ इंटू कितना होगा सोलह तो कितना होगा बेटा एक सौ चवालीस और अगर मैंने कहा एस डी कितना होगा तो एस डी या तो न्यू बेरियंस निकाल के अंडर रूट कर दो या तो एक तरीका ये है बारह या एक काम करो पहले एस डी कितना था चार उसमें क्या होगा जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो हर ऑब्जर्वेशन उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बारह तब भी वही है मतलब वही है चाहे तुम वेरिएंस निकाल लो नहीं हो उसका अंडर रूट कर दो क्योंकि वो के स्क्वायर होगा ना वेरिएंस का तो वो क्या होगा बेटा वो के हो जाएगा अंडर रूट से बाहर इसलिए कहते हैं उसमें मल्टीप्लाई कर देते ठीक है चलो दे एनडीए के दो क्वेश्चन दें जल्दी से बताइए एनडी के दो क्वेश्चन दें चलो लिखेंगे तो एक क्वेश्चन लिखिए चलो क्वेश्चन लिखेंगे एनडीए 2019 जे मेन का भी है क्वेश्चन हमारे पास लेकिन चलो पहले एनडी का देख लेते हैं लिखेगा लिख लो हिंदी में बोलेंगे हिंदी में जरूर लिख लेना हंड्रेड ऑब्जर्वेशन इज फिफ्टी लिखो सौ <coughs> प्रेक्षणों का माध्य पचास है लिखते रहो हिंदी में लिखो हंड्रेड so, प्रेक्षणों यानी सौ प्रेक्षणों का माध्य पचास है एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन तथा मानक विचलन एसडी डी करके लिख दे रहे हैं। एंड द स्टैंडर्ड इज़ तथा मानक विचलन दस है पचास सौ प्रेक्षणों का ये सौ लिखो चाहे दो सौ लिखो चाहे हजार लिखो कोई दिक्कत नहीं सौ प्रेक्षणों का माध्य पचास है तथा तथा मानक विचलन दस है सौ so, प्रेक्षणों का क्या है माध्य कितना है पचास और मानक विचलन कितना है दस क्वेश्चन कह रहा है इफ फाइव इज सब्रैक्टेड सब्ट्रेक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन ईच ऑब्जर्वेशन पहले पढ़ लेना तुरंत ना जवाब देने लगना क्या पूछ रहा है उसको अभी समझो लिखेगा यदि प्रत्येक परीक्षण से प्रेक्षण से पांच घटा दिया जाता है तथा एंड देन इज डिवाइडेड बाई फोर घटा दिया जाता है तथा चार से भाग दे दिया जाता है मतलब प्रत्येक परीक्षण को चार घटा दिए सब में फिर जो बना फिर उसमें सब में क्या कर दिया चार से भाग दिया जाता है ये लिखा है ना घटा दिया और फिर चार से सबको डिवाइड एंड देन मतलब उसके बाद चार से सभी को भाग दे दिया जाता है प्रत्येक परीक्षण में पांच घटाया जाता है तथा उसके बाद चार से डिवाइड कर दिया जाता है तथा सभी को चार से डिवाइड कर दिया जाता है देन वट देन वट विल बी The new mean, what will be the new mean and new mean and new standard deviation respectively? <coughs> क्रम से चार ऑप्शन पहले लिख लेते हैं पहला होगा 45.5 दूसरा ऑप्शन होगा 11.25 कोमा बार एक दशमलव दो पांच और तीसरा ऑप्शन है ग्यारह दशमलव दो पाँच कौमा दो दशमलव पाँच चौथा ऑप्शन है बारह दशमलव पाँच कौमा दो दशमलव पाँच क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में लिख सकते हो सौ परीक्षणों का माध्य पचास है तथा मानक विचलन दस है यदि प्रत्येक परीक्षण में दस पाँच घटा दिया जाए तथा उसके बाद चार का सभी को चार से भाग दे दिया जाए तो नया माध्य नया माध्य तथा नया मानक विचलन क्रमशः क्या होंगे वट यानी क्या होंगे बताओ नया माध्य और नया मानक विचलन क्या होगा जल्दी से बताइए वट विल बी न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डिविशन बताइए जल्दी से फटाफट आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा अमित पाल ने कहा सी अजय यादव ने कहा सी पीयूष कुमार ने कहा सी <coughs> बहुत बढ़िया अच्छा दिमाग देखो मजा आया कि नहीं है कितना टफ सवाल है अब ये देखते दो हजार सर ये तो मेरे बस की बात नहीं है मैं एयरफोर्स वाला लड़का हूँ सर मुझे एयरफोर्स की नजर से देखिए मुझे एनडीए की नज़र से न देखिए बताओ तो ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि मुझे एयरफोर्स की नजर से देखिए सर मैं एनडीए वाला नहीं हूं चलो अब हम उसे क्या बताएं बताओ वाला लड़का हूं। सर मुझे की नजर से अब बताइए कैसे हो गए बताइए अब देखो 48 हो गया यार हाफ सेंचुरी तो करो यार कम से कम क्लास ऑफ हो हाफ सेंचुरी तो हो जाए नीलेष निषाद सी अभिषेक गोविंद सी ऐसा ही बेटा अभिषेक गोविंद पांच सितंबर को या सात इन्हीं के आसपास कोई एक सवाल आया है बता दें कौन सा एक मिनट रुक जाओ ऐसा ही बिल्कुल एनडीए का जैसे ही सवाल लिखा है एक मिनट देख लें कौन सा क्वेश्चन है बिल्कुल हलवा सवाल है यार क्या बताएं तुम तो लोग क्वेश्चन है हमारा एक मिनट 2020 का जी मेन का भी है एक इसी टाइप का क्वेश्चन चलो पहले इसको कर लेते हैं लाइक शेयर जरूर कर दीजिए खुश रहो बेटा शिवम तुमर यार तुम क्या कर रहे हो यार शिवम तुमर अब आ रहे हो बताओ क्लास कंप्लीट होने वाली कैसी काम चलेगा कैसे बाज बनोगे कुछ सोच रहे थे हम अचानक मेरे माइंड से स्लिप हो गई बात क्या सोच रहे थे समझ में नहीं आ रहा कुछ अच्छा सोच रहे थे बेटा हम्म याद आ गया देखो इसका आंसर इसका आंसर बता दिया सब लोगों ने हाँ सी पर बता रहे हैं देखो देखो बेटा मीन तुरंत देखो हंड्रेड ऑब्जर्वेशन है और इनका मीन क्या है पचास और फिर कह रहा क्वेश्चन में जो जो बोला उसको करते जाओ फिर कह रहा है पांच इज सब पांच घटाओगे तो पैंतालीस हो जाएगा और जो कर रहे हो वैसे करते रहो मीन में वही होता है डिवाइड कर रहे हो चार का डिवाइड कर दो तो कम चार एकम चार चारिकम चार चार का भाग दो पैंतालीस में कितना होगा चारिकम चार पांच दो पांच दो पांच नहीं होगा दो ऑप्शन में एक सेलेक्ट करना होगा चलो ऐड करने से ऐड करने से सब करने से वेरिएंस में कोई न्यू डेविएशन में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन यहां पर डिवाइड करने से उसको केवल स्क्वायर ना करना पहले कितना था एसडी डी दस था अब एसडी डी कितना हो जाएगा उस नंबर से डिवाइड कर दो उस नंबर से डिवाइड कर दो तो कितना होगा चार दुनी तो आठ दो बचा चार पंजे बीस दो दशमलव पांच क्या आंसर सी कितना इजी हो गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया वेरी गुड सर आप क्वेश्चन ढूंढे ढूंढते समझे नहीं क्या बोल रहे हो तुम गौरव ग्लोरी क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा चलो आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन एनडीए का देखेंगे जल्दी से करेंगे फटाफट करेंगे देखते हैं कैसे कर पाओगे एनडीए दो हजार अट्ठारह अब इस पर एक होता है कोरिलेशन एक होता है रिग्रेशन इसका एक कोई वीडियो हम बनाएंगे ये अब लाइव नहीं होगा ठीक है बस मुश्किल से एक घंटे का और चीजें हमें बतानी होंगी तो वो किसी दिन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से आपको समझा देंगे मतलब मेन जो मेजर गजब का पॉइंट है वो ये सब हैं और अगर फ्रिक्वेंसी दी हो वो सब उसी में आ जाएगा और वैल्यूज आर चलो आज का सक्सेसफुल हो गया हमारा क्लास टू रिस्पेक्टिवली क्वेश्चन में क्या कह रहा है हिंदी में बता देंगे इफ फाइव इज एडेड टू ईच वैल्यू देन वट इज द कोफिशेंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वेरिएशन मतलब क्या हुआ सी बी जो लिखा है फॉर्मूला सी बी इज इक्वल टू याद करो देख लो पलट के नोट्स में लिखे होंगे तो देखो फॉर न्यू सेट ऑफ वैल्यूज क्वेश्चन में क्या रहा है दस दूसरा ऑप्शन बीस तीसरा ऑप्शन तीस चौथा ऑप्शन चालीस प्रश्न में कह रहा है लिख दीजिएगा सेट का मतलब है वही है ऑब्जर्वेशन उन्हीं को सेट बोल रहे लिखेगा कुछ संख्याओं का माध्य यानी माध्य पांच दिया है और मानक विचलन दो दिया है यदि प्रत्येक में क्या कर दिया जाता है पांच जोड़ दिया जाता है तो आपको कोफिशियंट जो नए वैल्यूज बन गई बेटा अगर सब में जोड़ोगे ऑब्जर्वेशन में तो सारी ऑब्जर्वेशन बदलेंगी तो वो जो नई ऑब्जर्वेशन है ये कह सकते हो कुछ भी कह दो सेट ऑफ वैल्यूज का मतलब एन एन ऑब्जर्वेशन का माध्य पांच है और मानव विचलन दो है यदि प्रत्येक में पांच जोड़ दिया जाता है तो नए ऑब्जर्वेशन का ऑफ वेरिएशन क्या होगा जरा देखेंगे कौन कर पाएगा जरा देखेंगे दिमाग लगाना होगा दिमाग लगाना होगा हो जाएगा बहुत बढ़िया शमसाद अली भी बता रहे हैं जल्दी से करो बड़े देखो हो गई भाई आप सेंचुरी हो गई बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड अंकित कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कलिए जल्दी से करो ये सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए बहुत बढ़िया आप सेंचुरी हो गई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड यहाँ पर बहुत शानदार किया है करें बस होने वाला है यहाँ पर हमारा लाइव सेशन काफी हो गया है और चलो एक बार और सुना दे स्टोन को काफी हमारी भी फेवरेट है बन चुकी है वेट करना यहाँ पर हमारा लाइव सेशन कंप्लीट हुआ है और आप देख सकते हो किस तरीके से हमने लाइव सेशन को कंप्लीट किया तो बस यही है कि अब देखिए बजने लगा फिर लाइव सेशन कल से आपको हमारी दो वीडियोस मिलेगी और हमने आपसे वादा किया है आपको हमारे चैनल पर दो वीडियोस मिलेगी और आप अपने दोस्तों को भी ये बात शेयर कीजिएगा जब जब आपको भेजते हैं वीडियो आप शेयर कीजिए स्टेटस लगाइए तमाम तरीके हैं शेयर करने के और भी आपके लिए ठीक है बेटा देखो अब तुम्हारी नींद भाग गई होगी ना नींद कोई दिक्कत नहीं केवल दिक्कत आप में है और कहीं कोई परेशानी परेशानी आप अपनी परेशानी के लिए स्वयं जिम्मेदार आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, ठीक है बेटा ये गाना भी यही बोल रहा है ये गाना आपको समझा रहा है समझ ला समझ जाओ अभी तुम्हारे पास टाइम है और इस टाइम को आप अच्छे से करो चलिए फिर है ओके जय हिंद